सुविज्ञसुरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारिमृदां यदा विनमयो यत्रत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तपकम् सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये हे देव हे दयिते हे भुवने कवन्दो हे कृष्ण हे चपल हे करुणेकसिन्धो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवतास्मेयदं दृशोर्मे नमस्ते भगवते कृष्णाया कुंठमेदसे राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य विहारिणे
राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्वदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जनम जनम मोहिदी जियो श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार बहु वृषवान बिलाड़ लेने को मेरी ओर निहार। वर्षाने की राधिका नंद गाम के श्याम इनके चरणन में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णम नारायण वंदे कृष्ण वंदे व्रज प्रियम कृष्णम द्वैपायन वंदे कृष्ण वंदे व्रदासुदम। आप लोग सभी अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ेंगे, सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे हम और आप सभी। और जो महानुभाव अपने पैरों में अभी भी कुछ पहन कर बैठे हुए हैं उतार दें और आराम से भगवान के श्री चरणों में विराजमान हों और एकाग्रचित होकर भगवान की कथा श्रवण करें। हे ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब निरोग भगवान धन धान के भंडारी सब भद्र भाव देखे सदमार्ग के बदको दुगया न कोई होवे सृष्टि में प्राणदारी। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान
सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री वल्ल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना ये अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सभी को कोटि कोटि नमन। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विदुष समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज, पधारे हुए सभी भक्त वृंदों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। सभी एक बार जरा प्यार से हृदय आनंद हो जाए, आनंद की अनुभूति कर लिया करिए बिना कहे कभी कभी, हाँ चकाचक हो जाए जरा एक बार, क्या ऐसे और एक बार जरा। भेजा प्रभु ने, भेजा प्रभु ने करने भजन तू, भेजा प्रभु ने करने भजन तू, भजन बिन नरक में तुझको जाना पड़ेगा, भजन बिन नरक में तुझको जाना पड़ेगा। भेजा प्रभु ने करने भजन तू, भेजा प्रभु ने करने भजन, भजन तू, भजन बिन नरक में तुझको
जैसा करम है वैसी सजा है, जैसा करम है वैसी सजा है। चौरासियों में तुझको जाना पड़ेगा, भेजा प्रभु ने करने भजन तू, भेजा प्रभु ने करने भजन तू। ओ भजन बिन नरक में तुझको जाना पड़ेगा, भजन बिन नरक में तुझको जाना पड़ेगा, भेजा प्रभु ने करने भजन तू, भेजा प्रभु ने करने भजन तू, भेजा प्रभु ने। बोले भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, गौ माता की सेवा हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। ओ शांतिः शांतिः शांतिः। सभी एक बार प्यार से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे, एक बार और जोर से। जितने जोश के साथ हम लोग पढ़ने जाते हैं, जितने जोश के साथ हम लोग अपनी ड्यूटी करते हैं, जितने जोश के साथ हम लोग कमाते हैं, जितने जोश के साथ हम लोग बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं, जितने जोश के साथ हम दुनिया में दूसरों का बुरा करते हैं, जितने जोश के साथ हम अपनी ज़िंदगी को तबाह करने में लगे हुए हैं, जितने जोश के साथ हम अपने आप को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं, उतने ही जोश के साथ परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए तो सब सुधर जाएगा। ताली क्यों बजाई भाई, मैंने कोई गलत बात कह दी हैं? मैंने कोई गलत बात तो कही ना? इसका मतलब ये था कि आलस्य में भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए, पूरे जोश के साथ भगवान की कथा सुननी चाहिए और जोश के साथ बोलना चाहिए। क्या अब कहां से आ गई ताकत? सोए हुए हनुमान हो तुम। जैसे हनुमान जी अपनी ताकत भूल जाते हैं, वैसे तुम भी अपनी ताकत भूले बैठे हो। ये भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखो, हमेशा। तो मैं आप सबको बार बार ध्यान दिलाता हूँ, आप उसको ध्यान में रखा करें। इसीलिए मैं कहता हूँ भगवान की भक्ति जवानी में करनी चाहिए। वजह क्या है? बुढ़ापे में जाते जाते जोश खत्म हो जाता है। मैं जवानों को देख रहा था भजन में, ताली वो चकाचक कूट रहे थे, और जब मैं बुजुर्गों की तरफ देख रहा था, वो तो कोई लोग तो बड़े आराम से सोफे पे ऐसे बैठे हैं जैसे कर लो, इट्स योर ड्यूटी, ये मेरा काम ही नहीं है। वजह बुढ़ापा है, हाथ हिलते ही नहीं। और ये एक के साथ नहीं है, ये सबके साथ होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ जितना भी नाम धन की कमाई करनी है जवानी में कर ले मेरे प्यारे, बुढ़ापे में तो वैसे ही इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। तो आइए हम और आप सब भगवान की इस पावन कथा में ध्यान लगाएं, कल का कथाक्रम याद करें। बहुत प्यारा कथाक्रम, कल राजा को सांप लगा, इतलंगित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनी, तुम्हें तक्षक डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मेरे भाई बहन, काल रूपी तक्षक हम सब के पीछे पड़ा हुआ है, और इस काल रूपी तक्षक से
कोई बच नहीं सका है। जो भी इस धराधाम पर आया है उसे इस तक्षक ने डस लिया है। कोई परीक्षित की तरह बोध ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और कई लोग बस जैसे आए हैं वैसे मर जाते हैं। सत्संग, जीवन में अच्छे लोगों का संग। आज मेरे को पत्रकार बंधुओं ने पूछा, महाराज संत किसे कहते हैं? भगवा कपड़ा पहनने वाले भी गलतियां कर देते हैं, तो संत कौन है? गलतियां जिससे नहीं होती उसका नाम परमात्मा है, बाकी सबसे गलतियां होती हैं। संत हो गए उसके बाद नहीं गलती की होगी, बचपन में तो की होगी। और कई लोग तो संत होने के बाद भी गलतियां कर देते हैं। गलतियों का पुतला है इंसान। संत कौन है जिसके जीवन में नित्य सत्य का संग है? संत कौन है जो अपने जीवन में कभी भी प्रभु के कथाओं का संग नहीं छोड़ता? संत कौन है जिसकी जिभ्या पर, जिसके कर्म में, जिसकी वाणी पर, जिसके श्रवण में सिर्फ सत्य है? और सत्य कौन है? परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण ही सबसे बड़ा सत्य है संसार का, और कोई भी संसार का दूसरा बड़ा सत्य नहीं। देवताओं ने भगवान को 9 बार सत्य सत्य कहा है, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। भागवत में 3 बार वंदना की गई है, फर्स्ट मिडिल एंड एंड। शुरुआत का श्लोक जो आप सुनते हैं, सत्यम परम धीमहि मध्य में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के समय कहते हैं, सत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। अंत में भी कहते हैं, 3 बार उस सत्य स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण की वंदना, सत्य कहकर वंदन किया गया। कितनी बड़ी बात है। सबसे बड़ा सत्य श्री कृष्ण, दूसरा सबसे बड़ा सत्य तेरी मृत्यु। ए मैडम जी, फोटो बाद में खींच लियो, कथा सुन ले, पता ना कल फोटो तो फोटो है, चरित्र अच्छा बना लो बस, हमारा फोटो का क्या है? सब बाल बाल बिखरे हुए हैं, थोड़ा आते हुए खराब हो गए, फोटो ठीक नहीं आएगा, वचन ठीक रहेगा। वचन सुनो, ये काम का है। राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से। 2, एक परमात्मा का नाम सत्य है और एक दूसरी तुम्हारी मृत्यु सत्य है। और मृत्यु के लिए टाइमिंग जरूरी नहीं है कि तू ओल्ड होगा तभी मृत्यु आएगी, ना ना ना, लोग तो जन्म से पहले भी मर जाते हैं। अब कैसे हो सकता है महाराज, जन्म मरने के लिए तो जन्म जरूरी है? बोले नहीं, जब गर्भ में जाते हैं तो जन्म उसी वक्त हो जाता है, और दुनिया की नजर में जन्म कब होता है बताइए? दुनिया की नजर में जन्म होता है जब हम इस धरती को छू लेते हैं, राइट? और हमारा जन्म हो जाता है 9 महीने पहले, मर जाते हैं बीच में गर्भ में। कई लोग कहते हैं, डॉक्टर कह देते हैं कि मिसकैरेज हो गया, इट मींस मर गया। जो व्यक्ति ज्यादा पाप करता है वो बार बार गर्भ में जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, गर्भ में ही मर जाता है, उसे ज्यादा गर्भ में कष्ट दिया जाता है। इस संसार में सबसे बड़ा दुख कहीं है तो मां के गर्भ में। ये तुम्हारे ब्यूटीफुल फेस, ये तुम्हारा माइंड, ये तुम्हारा बॉडी, ये सब कुछ अब ठीक है, सारा स्ट्रक्चर बना दो तुम्हारे मां के गर्भ में ही है,
और उस स्ट्रक्चर को बनने के लिए कितनी तकलीफें तुमने उठाई हैं, वी डोंट नो, हमें नहीं मालूम, याद ही नहीं है। इसलिए मेरे भाई बहन, मैं आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य परमात्मा का नाम है। सबसे बड़ा जो सत्य है, अभी हमने कहा भी है, कई बार वर्णन भी आया है, अभी भी आ रहा है, असार नाम संसार सार भगवत नाम सह। ये दुनिया जितना दिख रहा है ना, ये पंडाल दिख रहा है, अभी दिख रहा है कि नहीं, पंडाल दिख रहा है, ये सत्य है कि असत्य है, ये सत्य है कि असत्य है, जोर से बोलिए, सत्य है, दिख रहा है ना, लेकिन ये झूठ है। ये झूठ है, 28 तारीख से पहले ये नहीं था और 3 तारीख के बाद ये नहीं रहेगा। जो मिट जाए वो झूठा है, जो कभी न मिटे वही तो सत्य है। तू तेरे जन्म से पहले नहीं था, तू तेरी मृत्यु के बाद नहीं रहेगा, तो तुम तो झूठे हो, मैं तो झूठा हूं। परमात्मा तुमसे पहले थे, तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे बाद, तो सबसे बड़ा सत्य क्या हुआ? परमात्मा। तो जो सत्य का संग करे, जो जीवन में सत्य का अनुकरण करे, वही भागवत के अंत में भी, शुरुआत में वर्णन सत्य का, सत्यम परम धीमहि, भागवत के मध्य में वर्णन सत्य का, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, और भागवत के अंत में भी सत्यम परम धीमहि, उसी सत्य की वंदना की गई है। तो आइए हम और आप सब राजा परीक्षित से कुछ सीखें। राजा परीक्षित ने जब सुना कि मुझे सांप लग गया, तो उन्होंने ग्रह का परित्याग किया, गंगा के तट पर साधु संतों के समीप पहुंचे और संतों के मध्य में पहुंचकर प्रश्न उठाया कि जिसकी मृत्यु निश्चित है वो क्या करे, क्या करे वो। परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज वहां पधारे। सुखदेव जी महाराज को देखकर राजा परीक्षित ने साष्टांग प्रणाम किया, फर्स्ट यू रिस्पेक्ट योर रिलीजन। जब भी कोई श्रेष्ठ परमात्मा को चाहने वाले ब्राह्मण भक्त और संत आपके यहां आए, तो आपको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। कैसे प्रणाम करना चाहिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, इज इट पॉसिबल, करते हो? फिर कहते हो भगवान, अरे तुमको वही मिलता है जो तुम देते हो, और जो तुम देते हो वो तुम्हें निश्चित तौर पर मिलेगा, चाहे दुनिया को तुम अच्छाई दे दो या बुराई, वो भी तुम्हें ही मिलनी है, भूख दे दो या अन्न, मान दे दो या अपमान, तुम्हें मिलेगा। हम लोग अपने माँ बाप से भी हाथ मिलाने लग गए, राइट? ये कल्चर कहां से आ गया? माँ बाप से हाथ मिलाना चाहिए, माँ बाप के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। मेरे प्यारे, जो माँ बाप के चरणों में प्रणाम करते हैं, उन्हें माँ बाप जितना आशीर्वाद देते हैं, हाथ मिलाने पर उतने आशीर्वाद नहीं मिलते, उसे मिलते हैं। जितनी मम्मियाँ बैठी हैं, पापाएं बैठे हैं यहाँ पर, पापा जी, पाप का बड़ा भाई पापा ही है, तो पापा जी जरा कृपा करके बताइए, हाथ मिलाने में ज्यादा दुआ देते हो कि पैर छूने पे ज्यादा आशीर्वाद देते हो, बताइए?
जब बेटा सर झुका के प्रणाम करता है ना, तो अपने आप हृदय से आशीर्वाद निकल जाता, अपने आप। ये बात मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। हमारे शास्त्रों में हमें संस्कार बार बार सिखाया गया। कल भी मैंने बोला था शायद या परसों, खुद की गलती से सीखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, दूसरों की गलती से भी सीख लेना चाहिए, दूसरों के चरित्रों से भी हमको सीख लेना चाहिए। राजा परीक्षित ने देखा सुखदेव जी महाराज आए हैं, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, लेट गए और पूछा, गुरुदेव मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। क्या? अतः प्रच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा यच्छ्रोतव्यमथो जप्यम् यदकर्तव्यम् नभे प्रभो स्मरतव्यम् भजनीयम् वा ब्रूहि यदवा विवरयम्। गुरुदेव कृपा करके बताइए, जिसकी मृत्यु सातवें दिन निश्चित हो वो क्या करे, जरा कृपा कर दीजिए दास के ऊपर। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे श्रीमद् भागवत सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत जीव के सारे पापों को काट देती है, जीव को तुरंत मोक्ष प्राप्त कराती है। श्रीमद् भागवत कथा श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, ये साधारण ग्रंथ नहीं है। आप जब भागवत जी की आरती सुनते हो, ध्यान से सुनते हो कि बस ताली बजा कर टाइम पास करते हो? जरा गाइए भागवत जी की आरती एक बार, एक पंक्ति गुनगुनाएंगे आप भी सब, सुनिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, तब भागवत का महात्म समझ में आएगा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सार ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि राम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? श्री राम यही घनश्याम यही, पाप मिटाने वाला है, पंचम वेद निराला, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है, कितना सारांश भागवत का, सारांश भागवत की आरती में, और फिर भी वी डोंट अंडरस्टैंड। रिश्तेदार कथा कराएं,
कार्ड भेजे, आ जाना कथा करा रहे। हाँ एक दिन जरूर आएंगे। ये जो अभी बैठे जजमान, इन पे बीती होगी यही जब ये कार्ड बांटने गए होंगे तो एक दिन हाँ अवश्य आई शुड कम, आई विल कम, नो प्रॉब्लम, वन डे ओनली, एक दो दिन जरूर रहेंगे। ये क्या है? बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड अबाउट आवर रिलीजन। भागवत जैसा ग्रंथ, इतना उज्ज्वल, इतना पवित्र, जन कल्याण करने वाला ग्रंथ, जिसके लिए हमारे मन में अपार श्रद्धा होनी चाहिए, उसके लिए हमारे दिल में बोले एक दिन आएंगे। एक दिन भी मत आइयो, वरना भागवत लज्जित हो भाग्या से पापी कहीं का। तेरे आने से भगवान की शोभा बढ़ेगी क्या? पापियों को पाप से है तारती। 7 दिन भागवत सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है मेरे प्यारे, मोक्ष। 100 पीढ़ियां, तुम्हारी 100 पीढ़ियां जितना कमाया हो भगवान के चरणों में अर्पण करके कहना कि मुझे मोक्ष दे दो, भगवान का गेट अप बोलिए। 100 पीढ़ियों की कमाई से आप भगवान से मोक्ष ले सकते हो? जवाब दीजिए हाँ या ना, जोर से बोलिए ना। फ्री ऑफ कॉस्ट खर्चा हो जिजमान का, रिश्तेदार फ्री में रहें, फ्री में खाएं और फ्री में सुने, मात्र 7 दिन में कल्याण। और रिश्तेदारों का तो फिर भी आने जाने में खर्चा हो जाएगा, श्रोता कोई खर्चा नहीं, घर से निकलो बैठ जाओ पंडाल में, कोई खर्चा नहीं, कल्याण ही कल्याण मात्र 7 दिन में। और फिर भी क्या कहेंगे? बोले एक दिन चलेंगे देखेंगे होगा। आज पहले दिन कौन कौन आया? हाजरा जो आज ही आया है, जो सिर्फ आज ही आया है, नीचे करो। मेरा अभिप्राय यह है 100 पीढ़ियों की कमाई से जो मोक्ष आपको न मिल सके वो मात्र 7 दिन भागवत सुनने से मिलता है। इतना बड़ा महात्म है श्रीमद् भागवत महापुराण का। राजा परीक्षित से सुखदेव मुनि कहते हैं राजन अगर अपना कल्याण चाहते हो तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करो, हे गुरुदेव कृपा करो मुझे भागवत श्रवण करा दो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। भागवत प्रारंभ हुई, सृष्टि का सृजन सर्वप्रथम वर्णन किया गया, नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, संसार का एक नियम है, पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए स्त्री पुरुष का मिलना जरूरी है। इसलिए एक स्त्री एक पुरुष बनाया गया जिससे दोनों मिले तो तृतीय किसी और का जन्म हो। लेकिन परमात्मा की सृष्टि बड़ी विचित्र है। आप एक श्लोक सब जानते हैं, आप जरा उच्चारण करें। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्लोक का प्रथम चरण क्या है जरा दोबारा उच्चारण करेंगे। प्रथम चरण तुमेव, क्यों आवाज ना आएगा है ना कि जोड़ते बोलो तुमेव। तुम मेरी माँ हो। कौन है माँ? परमात्मा।
दुनिया में तीन माँ हैं जो तेरा कल्याण करती हैं। पहली वो माँ जिसने तुझे जन्म दिया, राइट? वो माँ भी किसी देवता से कम नहीं है जिसने तुझे जन्म दिया है। पहली वो माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया, दूसरी वो माँ जिसने तुम्हें परमात्मा को जना दिया, वो दूसरी माँ कौन है? महात्मा। पहली माँ जिसने दुनिया दिखा दी, महात्मा। दूसरी माँ जिसने परमात्मा को जना दिया, और तीसरा वो परमात्मा जिसके कृपा के बगैर एक सेकंड भी तू जिंदा नहीं रह सकता। जिस दिन तुम्हें इन तीनों का सम्मान करना आ जाएगा, जिस दिन तुम इन तीनों को जान लोगे, उस दिन तेरा आत्म कल्याण हो जाएगा। उसी दिन, द सेम डे। इसलिए मेरे बाबा, अपने आप को पहचानो। उस परमात्मा जो तुमेव माता, जहां से शुरू हुई सृष्टि, कहां से? तुमेव माता, नारायण की नाभि से कमल। उनके पास स्त्री नहीं है कोई जिससे मिलन हुआ फिर ब्रह्मा जी पैदा हुए, नहीं। स्वयं नारायण संपूर्ण है। शुरुआत में मैंने कहा था, नो वन कैन परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ओनली ऑन परमात्मा, ओनली ऑन गॉड, ही इज अ परफेक्ट। उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं, और हम सब में कोई ना कोई फॉल्ट जरूर है। कोई कहता महाराज ये बोलता बहुत है, दूसरा बोलता बोलता ही नहीं, सीधा बहुत है। अब एक में कमी है वो ज्यादा बोलता है, दूसरे में कमी है बोलता ही नहीं है, तो कमी तो है। लेकिन जिसमें कोई कमी नहीं है, वो जब राम बनकर आते हैं तो मर्यादा का पालन करके आते हैं, और जब वो कृष्ण बनने लग जाते हैं तो फिर कोई मर्यादा ही नहीं रखते। झूठ बोल के भी धर्म की रक्षा, चोरी करके भी धर्म की रक्षा, उनका उद्देश्य है धर्मो रक्षति, धर्म की रक्षा करो चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये उनका, झूठ बोलना पड़े बोले। सूरज को कह दिया छिप जा, जयद्रथ को मरवा दिया। पिता मैं भीष्म की प्रतिज्ञा तोड़वा दी झूठ बोल के, क्यों? क्योंकि पांडव जीतेंगे तो धर्म की जीत होगी। कौरवों को कैसे भी मरवाना है, मरवा दो दुष्टों को। ये कृष्ण का अपना एक, उनका अपना ही चक्रव्यूह है। उनके चक्रव्यूह को समझना, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, हम लोगों की कैपेसिटी नहीं है भाई, हम लोग उसे नहीं समझ सकते। साहब कुएं की गहराई नाप लो, तालाब की गहराई नाप लो, नदी की गहराई नाप लो, समुद्र की गहराई नापोगे? है दम किसी में? बोलिए, समुद्र की गहराई नापने का दम किसी में है क्या? नहीं है। और उस समुद्र को बनाने वाले की गहराई कितनी होगी? जिसने समुद्र बनाया उसकी गहराई कितनी होगी? जरा सोचिए तो सही। इस दुनिया में जो भी तुम्हें दिखता है ना, जो तुमने देखा भी नहीं, वो भी उसी ने बनाया। ही इज ओनली वन क्रिएटर। तुम दो बच्चे पैदा करके कह देते हो आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरे मन खींच के, मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बच्चा। बहरो सुने गूंग मुख बोले, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और लंगड़ा पहाड़ चढ़ता है, भिखारी छत्र के नीचे चलता है, उसके सर पे छत्र लगा है, लाइक ऑफ किंग। एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन, अगर कन्हैया चाह ले तो, इफ ही वांट्स। राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से, बोल। टांग तोड़वानी है कि ठीक करवानी, जुबान बंद करवानी है कि ओपन, आंख फुड़वानी है कि औषधि ठीक रहे, ये सब वो कर सकता सब। ब्रह्मा जी को अब बहुत से लोग कहते महाराज जी कृपा कर दो, महाराज जी की जेब में धरिए कृपा, ले जा। कहां है कृपा? अरे साहब, इस संसार में तो कृपा के भी व्यापारी हो गए। 2100 रुपए में 15 दिन के लिए कृपा,
5000 में, बोले एक महीने के लिए कृपा, 1,00,000 में, बोले जीवन भर के लिए कृपा, तेरा भगवान भला करे तेरा। कौन सी कृपा है जो 1,00,000 रुपए में मिल गई भाई? एक और बात बता दूं, कृपा हर किसी को नहीं मिलती, मांगने से कृपा नहीं मिलती कभी। कैसे मिलती है? कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा न जाने को। कृपा पात्र वही जानियो जो आज्ञावर्ती हो। भगत जी, कृपा हर किसी को नहीं मिलती, मांगने से कृपा अगर मिल जाए तो यहां जितने भी बैठे हैं सब चकाचक हो जाए। कृपा कब मिलती है? कृपा कब मिलती है? जब आपका स्वभाव कृपा को प्राप्त करने के योग्य हो जाए, जब आपका स्वभाव उस लायक हो जाए तो भगवान कृपा करते ही हैं। फिर वो कृपा किए बगैर नहीं मानते। राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा। ब्रह्मा जी को एक बार कृपा भरी नजरों से देख लिया, हो तेरा नजरें मिलाना है? भगवान से नजरें मिल जाएं तो कुछ बाकी रहेगा? बोलूं कि नहीं? हो तेरा नजरें मिलाना गजब हो गया, हो तेरा नजरें मिलाना गजब हो गया, हो तेरा नजरें मिलाना गजब हो गया, हो तेरा नजरें मिलाना गजब हो गया। गजब हो गया जी, गजब हो गया, गजब हो गया जी, गजब हो गया, हो गजब हो गया जी, गजब हो गया, गजब हो गया जी, गजब हो गया। ओ तेरा बंसी बजाना गजब हो गया, 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 ओ तेरा नजरें मिलाना गजब हो गया, तेरा नजरे मिलाना गजब हो गया। श्री राधे हरि बोल। प्यारे की जय हो। तेरा पर्दा, ओ तेरा पर्दा, ओ तेरा पर्दा हटाना गजब हो गया, ओ तेरा पर्दा हटाना गजब हो गया, तेरा पर्दा हटाना गजब हो गया, तेरा पर्दा हटाना गजब हो गया, ओ गजब हो गया जी, गजब हो गया, गजब हो गया जी, गजब हो गया। तेरा नजरें मिलाना गजब हो गया, तेरा नजरें।
छवि में शुद्ध बुद्ध कोई, देख छवि में शुद्ध बुद्ध कोई, देख छवि में शुद्ध बुद्ध कोई, देख छवि में शुद्ध बुद्ध कोई, 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 देख छवि में शुद्ध बुद्ध कोई, देख छवि में शुद्ध बुद्ध कोई, ओ तेरा ओ तेरा ओ तेरा यो मुस्कुराना गजब हो गया, 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 ओ गजब हो गया जी गजब हो गया, गजब हो गया जी गजब हो गया, ओ गजब हो गया जी गजब हो गया, ओ गजब तब शर्म नहीं आती, भगवान के आगे नाचने में शर्म आते हो, जगा जग मैं हो गई तेरी दीवाने, मैं तो हो गई तेरी दीवाने, मैं तो हो गई तेरी दीवाने, मैं तो हो गई तेरी दीवाने, हाँ तेरी दीवाने, तेरी दीवाने, मैं तो हो गई पानी, ना भावे मोरे भोजन पानी, ना भावे मोरे भोजन पानी, ना भावे मोरे भोजन पानी, हो मुझे दिल से लगाना गजब हो गया, तेरा नजरे मिलाना गजब हो, दोनों हाथ उठाइए बैठे बैठे, नजरे दोनों हाथ उठाइए बैठे बैठे, ओ तेरा नजरे मिलाना गजब हो गया, ओ तेरा नजरे मिलाना गजब हो गया, गजब हो गया जी 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 गजब हो गया, दोनों हाथ उठाकर बोलिए, ओ मुझे यूं अपना ना गजब हो गया, मुझे अपना बनाना गजब हो गया, ओ मुझे अपना बनाना गजब हो गया, ओ मुझे अपना बनाना गजब हो गया, नजरे ओ हमसे नजरे मिलाना गजब हो गया, हमसे नजरे मिलाना गजब हो गया, क्या बोलेंगे, हम पर भी एक नजर हो
दुनिया बनाने वाले, अगर ठाकुर जी तुम्हें कृपा भरी नजरों से देख ले तो तुम्हें कृपा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम उस लायक कर्म करो जिससे वो तुम पर कृपा करने में एक क्षण की भी देरी ना करे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना किया, सृष्टि सृजन किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मानस पुत्र जिन्होंने विवाह करने से मना कर दिया, रुद्र इत्यादि का जन्म करने के बाद, सप्तऋषियों को प्रकट करने के बाद ब्रह्मा जी महाराज मनु को जन्म देते हैं। मनु और रानी शत्रुपा पृथ्वी के पहले मानव हैं जिनसे ये मानव सृष्टि चली है। मनु की औलाद होने पर ही हमको मानव कहा गया, हम लोग मनु की औलाद हैं इसलिए हम लोग मानव हैं। देवहूति महाराज मनु की पुत्री जिनका विवाह करदम मुनि के साथ में हुआ, जिनसे 9 कन्याएं हुई। करदम मुनि पहले विवाह नहीं कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई विवाह कर लो, बोले नहीं प्रभु तो हमें भजन करने दो, तपस्या करने चले गए। अब ब्रह्मा जी बोले प्रभु मैं ऐसे संसार कैसे बनाऊंगा, आप तो कहते हो सृष्टि की रचना करो, अब सृष्टि की रचना होगी कैसे, मैं बनाता हूं वो मना कर देते विवाह नहीं करेंगे हम तो भजन करेंगे, ऐसे कैसे सृष्टि चलेगी। तो भगवान करदम मुनि के पास में गए और प्रकट होकर कहने लगे हे मुनि आप विवाह करो। बोले महाराज विवाह कर लिया तो गृहस्थ में फंस जाऊंगा और गृहस्थ में फंस गया तो फिर आपसे दूर हो जाऊंगा, जितने भी गृहस्थी लोग यहां बैठे हैं सब गृहस्थी हैं ऑलमोस्ट, ध्यान से सुनिएगा बहुत प्यारी कथा है। हमने आपने सबने सुना है कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है, लेकिन गृहस्थ आश्रम कब बड़ा है यह भी समझ लीजिए। गृहस्थ आश्रम तभी सबसे बड़ा है जब हमारे जीवन में गृहस्थ के साथ साथ परमात्मा का स्मरण भी हो और गृहस्थ धर्म का पालन भी हो, मतलब संसार को बनाने वाले की विस्मृति हमारे जीवन में कभी नहीं होनी चाहिए। जिस दिन विस्मृति हो जाती है तो गृहस्थ धर्म छोटा पड़ जाता है। तो कहा ठीक है आप आज्ञा दे रहे हैं तो हम विवाह करेंगे। विवाह का विचार मन में लिया, देवहूति के साथ में विवाह किया, 9 कन्याएं हुई और 10वीं संतान के रूप में स्वयं श्री कपिल भगवान प्रकट हुए। बोलो कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव भगवान देवहूति पूछती है पुत्र मैंने सुना है तुम भगवान के अवतार हो। बोले हाँ आपने सच सुना माँ, आपने जो सुना है वो एकदम सच है। तो देवहूति कहती है पुत्र कृपा करके मुझे बताओ मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। आप लोग यहां बैठे हैं सभी से एक प्रश्न है मेरा, आप पढ़ते किसके लिए हो, 20-22 साल लगते हैं आपको पढ़ने लिखने में कोई डिग्री पाने में, और बड़ी डिग्री लेनी हो तो ज्यादा टाइम लग जाता है, डॉक्टर बनना हो तो शादी से पहले ही बूढ़े हो लेते हैं, डिग्री लेनी हो तो 28-29 साल की उम्र में मिलती है जाके, है ना। मैं आपसे जानना चाहूंगा पढ़ते किसके लिए हैं, कहिए कमाने के लिए, यही ना लक्ष्य है, अधाना तो करते रहिए, पढ़ते किसके लिए कमाने के लिए, कमाते किसके लिए खाने के लिए, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या बताइए, पढ़ते किसके लिए कमाते किसके लिए खाते किसके लिए
जीने के लिए बोलो जोर से, शर्म क्यों आ रही है? दोबारा से पूछ रहा हूं, रुकना मत, जवाब देते चले जाना। पढ़ते किसके लिए, कमाते किसके लिए, खाते किसके लिए, जीते किस लिए, कभी सोचा है? कभी तो 5 मिनट निकाल के सोचो कि तुम जी किस लिए रहे हो। बोले बच्चे पैदा करने के लिए, वो तो गधे के भी होते हैं। बोले उन्हें पालने पनासने के लिए, वो तो गधे के भी पल जाते हैं, स्वान के भी पल जाते हैं, और मैं भी, तुम्हें तो फिर भी देखभाल करना पड़ता है कपड़े वपड़े का, उन्हें तो वो भी नहीं करना पड़ता। ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, संतान उत्पन्न करना, ये करना वो करना, ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। अरे मेरे भाई बहन, ये तो ऐसे है जैसे हम ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं और ट्रेन में हमारे सामने वाली बर्थ पे, हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कोई हमें मिल जाता है तो उससे हाय हेलो हो जाती है, तो उसे थोड़ी देर बात बूत हो जाती है, अब उसे दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ट्रेन में से उसके साथ ही उतर जाए, उसके स्टॉपेज पे उसका स्टेशन आ गया तो हम भी उतर जाएं क्या? ये कभी होता है? अरे भाई, जिसका स्टेशन आया वो उतरे, जिसका नहीं आया वो चुपचाप बैठा रहे। मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, भागवत सुन रहे हो, किसी की कहानी नहीं, एक एक शब्द आपके लिए जिंदगी में महत्वपूर्ण है। तुम पढ़े, कमाने के लिए कमाया, खाने के लिए खाया, जीने के लिए, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि हम जी क्यों रहे हैं। दुर्लभो मानसो जन्म, इट्स नॉट सिंपल थिंग, यू लिव लाइक ह्यूमन बीइंग। मानव होना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अगर एक इकलौती औलाद हो, हॉस्पिटल में पड़ा हो, पैसे वाला भी आदमी, पढ़ा लिखा भी आदमी, डॉक्टर से कहता है बचा लो एनी कॉस्ट, प्लीज सेव हिज लाइफ या हर लाइफ, कुछ भी ले लीजिए, डॉक्टर कहता है नथिंग इज माई हैंड माई डियर, फर्स्ट यू प्रे फ्रंट ऑफ गॉड ही सेव देम लाइफ, मैं नहीं बचा सकता। तब उसे भगवान की याद आती है, हे भगवान बचा, जिंदगी भर तो तूने भगवान को माना नहीं, अभी एक जिंदगी का चक्कर पड़ा तो आ गया। इसका मतलब है प्रत्येक कथावाचक को पहले डॉक्टर होना चाहिए, बाद में कथा करनी चाहिए, तब तेरी समझ में आएगी। अरे मुसीबत में माना तो क्या माना, अगर मानना ही है परमात्मा को तो आज से शुरू कर, चाहे तू अच्छा हो या बुरा, तू आज से शुरू कर दे, तेरी जिंदगी सवर जाएगी। What is the aim of your life, my dear? First you think this thing. पहले सोचो तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है। अगर पैसा ही कमाना तुम्हारे लक्ष्य है तो ये भूख कभी खत्म होने वाली नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने अपार दौलत कमा ली है, उनके मालिक आज भी पैसा कमाने के चक्कर में न खा पा रहे न सो पा रहे। नमक सरी का बेच दिया बड़ी बड़ी कंपनियों ने, जो नमक 1 रुपया किलो मिलता था जो 20 रुपया किलो मिलता है इन कंपनियों का ब्रांड लिख जाने के बाद। हाँ या ना, जवाब दीजिए। पैसे कमाने की भूख कभी नहीं मिटने वाली, चाहे औलाद ना हो आगे, फिर भी पैसा कमाना है। खुद के साथ ही सब दफन हो जाएगा, फिर भी पैसा ही कमाना है, क्या करेगा इतने पैसे का? पैसा मत कमा, पुण्य कमा। पैसा मत कमा, सत्कर्म कमा। पैसे से दुआएं नहीं मिलती हैं, दुआ कमा इस संसार में रहके। इतने गरीबों की मदद कर दे कि परमात्मा स्वयं तुझे दीन बंधु समझ ले और वो दीन बंधु तुझ पर दया करके स्वयं स्वीकार कर ले। हम जी किस लिए रहे हैं, वो एम समझो, वो लक्ष्य समझो, वो टारगेट समझो मेरे प्यारे। और मानव जीवन का एक ही लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति,
यही मानव जीवन का लक्ष्य है, और ये बिना गुरु कृपा के नहीं मिलता। आज एक मुझे पत्रकार बंधु ने कहा, महाराज आजकल तो संत भी भटक जाते हैं। उनका उद्देश्य इधर था, मैं समझ गया। मैंने कहा वो संत भी तो तुम्हारा ही दिया हुआ खाते हैं क्या? जैसा खाओगे अन्न, जोर से बोलिए, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। तो वो अन्न किसका खा रहे हैं भाई? महात्मा पे खुद का अन्न तो है नहीं, वो तो तुम्हारा ही दिया हुआ खा रहे हैं। तो सोचो तुम्हारे अन्न में कितनी विशेषताएं। ऐसी कमाई कर ले जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में भी काम आ सके। अरे मन मुसाफिर तुझको चलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। सब देख लीने अपने पर आए, मुसीबत में कोई भी ना काम आए। ये जिनके लिए कमा रहा है ना, कमा रहा है ना तू, कमा रहा है ना तू, जिनके लिए बुढ़ापे में ढक्का मार के कह देंगे, डैडी आई नेवर लिव विद यू, माई वाइफ डज नॉट हैप्पी, आई वॉन्ट टू मेक हैप्पी माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी को खुश करना चाहता हूं, और आप बीच में तकलीफ दे रहे, जब देखो चाय मांगते रहते हो। बेटा मैं कहां जाऊं बुढ़ापे में, कहीं भी जाओ हमें चैन से जीने दो। डरना उस दिन से जिस दिन तुम्हारे बच्चे तुमसे ये कह दें। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे बच्चे तुम्हें घर से निकाल दे वो अच्छा, कि तुम अपने आप घर छोड़ के चले जाओ वो अच्छा? बोलो क्या प्लानिंग है? चकाचक छोड़ के अभी निकल जा, इनको भी चैन से जीने दे और तू भी चैन से जी। अपना अकाउंट खाली मत करियो टोटली, अकाउंट ले और निकल ले, बच्चों के बच्चों को दे दे, बाकी का चक भजन कर, किसी भी तीर्थ में जाके कहीं भी बैठ जाए, भजन कर, अपना कल्याण कर, बेड़ा पार हो जाए। हाँ एडवाइज ही दे सकता हूँ, करना तुम्ही को पड़ेगा। बहुएं बड़ी खुश हो रही हैं, महाराज क्या हमारे ससुर जी ये बात मान लेंगे, क्या हमारी सासू माँ ये बात आपकी मानेंगी? ले आ, समझाने की मुझे आई, माने न माने वाकी गारंटी। मैं तो समझा ही सकूं कथा में। हे महाराज अगर तुम इन्हें ले जाओ, तुम आई सू रोज कथा सुनियो करूंगी तुम्हारी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जिंदगी का लक्ष्य खाना कमाना सोना नहीं है, जिंदगी का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, और उस तरफ कदम जरूर बढ़ाना चाहिए। ये कपिल देव भगवान ने भक्ति योग का वर्णन किया और माँ को ये बात समझ में आ गई। आगे के कथाक्रम की ओर हम लोग बढ़ें। महाराज मनु के पुत्र हैं उत्तानपाद, जिन्होंने दो विवाह किए, बड़ी रानी का नाम था सुनीति, छोटी रानी का नाम था सुरुचि। सुनीति तन से नहीं मन से सुंदर है, सुरुचि तन से सुंदर है मन से नहीं। और जैसा कि आप जानते हैं, एज फॉर एज योर नॉलेज, इस संसार में सब लोगों को तन से सुंदर लोग पसंद हैं, मन से नहीं। जो तन से सुंदर है ना, उसे सब देखना पसंद करते हैं, उसे मिलना, उसका उसके दो चार नखरे भी सह लेते हैं, है? नहीं हाँ या ना? दासी बनाए संग ले लो, है? कुछ भी करवा लेना बस ले चलो। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। इस संसार में जिसका तन और मन दोनों सुंदर हो, वो ही परमात्मा का असली अंश है।
जो जिसमें तन और मन की सुंदरता, तन सुंदर ना भी हो मन सुंदर होना चाहिए, मन सुंदर जरूर होना चाहिए। लेकिन ये दुनिया वाले तो तन से सुंदर लोग नहीं। जिसको तू मिल जाए वो हो जाए माला माल, क्या एक तू ही कि तुम्हें ना आवेगा, गा ले अच्छा भजन है बाकी सब कंगा। क्या संसार में ऐसा धनवान सिर मेरा ठाकुर जी है, दुनिया में और कोई नहीं। सुनीति जिसे राजा उत्तानपाद अधिक प्रेम नहीं करते, सुरुचि से करते, क्योंकि सुरुचि तन से सुंदर है। और सुनीति तन से सुंदर नहीं है, सुनीति तन से सुंदर नहीं है, सुरुचि है। राजा सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो सुनीति के पुत्र थे ध्रुव। देखिए पहली गुरु होती है माँ, बच्चों की माँ। माँ बाप हमेशा कहते हैं मेरे बच्चे बिगड़ गए, मैं कहता हूं आजकल बच्चे नहीं माँ बाप बिगड़ गए। अब आप कहेंगे कैसे महाराज, बोले सुन लीजिए, जब बच्चा छोटा था तो मूवी देखने कौन ले जाता था बच्चे को, जवाब देना पड़ेगा आपको, कौन लेके जाता था? घर में टीवी पर मूवी कौन देखता था बच्चों के आगे? घर में बच्चों के आगे एवरीडे एपिसोड कौन देखता है? सीरियल वगैरह कौन देखता है? हैं? और फिर बच्चे से क्या कहते, टीवी कम देखा कर, तेरी फूट गई, तू ना समझ में आई, 7:30 बजे टीवी ऑन कर देते हैं, 7:30 से 7:31 नहीं जाए, ऑन टाइम। अब पति बैठो भीतर रोटी दे दे, रुक जा, या तो 7:30 से पहले खा ले या फिर 10:30 बजे के बाद मांग, बीच में बोलते बता रही। हाँ भाई लोग ताली बजा लो अपनी किस्मत पे। क्या बोलना पड़ेगा? जरा चकाचक होना चाहिए जोर से। पहली गुरु कौन है? जोर से बोलिए। माँ पहली गुरु है ना। जब माँ बच्चों के आगे सीरियल देखेगी, मूवी देखेगी और बच्चों से उम्मीद करेगी तेरे बच्चे श्रवण कुमार हो जाएं, गुनहगार बच्चे नहीं तुम हो। अगर चाहते हो तुम्हारा भला हो, तुम्हारे बच्चों में का कुछ भला हो जाए, तो सबसे पहले अपना चरित्र सुधारो, अपनी जिम्मेदारी समझो। कौन कौन माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे हों, सही मार्ग पर चलने वाले हों? कौन कौन माँ बाप चाहते हैं? हाँ जी, आपकी क्या जरूरत है, आपके तो हो लिए कंप्लीट। हाँ अब आपके कहाँ, जिन जिन के कंप्लीट नहीं हुए, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हाथ उठाइए। कौन कौन चाहता है? नीचे करो। उपाय बताता हूं, कभी भी बच्चों के साथ मूवी मत देखना, कभी भी बच्चों के आगे कभी ज़्यादा टीवी मत देखना, कभी भी बच्चों के साथ ये सब व्यवहार मत करना। जब भी आप लोगों को ऐसा लगे तो सबसे पहले आप अपने आप को सुधारो, और आप अपने बच्चों से ये मत कहो कि माँ बाप की इज्जत किया कर, अपने बच्चों से ये कहो कि अपने भगवान की इज्जत किया कर, अपने परमात्मा की इज्जत किया कर। हमारे साथ में प्रॉब्लम कब होती है, जब हम बच्चों को सिखाते हैं अरे माँ बाप की बात माननी चाहिए, और उन्हीं बच्चों के आगे हम अपने सास ससुर की बात नहीं मानते, तो वो बच्चे क्या कहते हैं, ये भी तो तुम्हारे, इनकी मानो। जब देख लेते हैं बच्चे कि मम्मी पापा कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो वो भी आपकी आदत अपना लेते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है अपने बच्चों के आगे बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को देखिए ना, सुनीति से सीखिए। ध्रुव जी को जब छोटी माँ ने उतार लिया था गोद में से,
तो रोते हुए अपनी माँ के पास पहुँचे और माँ ने पूछा क्यों रो रहे हो, तो बता दी बजय मेरी माँ कहती है कि मैं पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हूँ। क्यों माँ, मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? माँ हो तो सुनीति जैसी, इकलौता बेटा है ध्रुव, इकलौता, और वो भी बड़ा नहीं, मात्र 5.5 वर्ष का। कितने वर्ष का, जोर से बोलिए, 55 साल वाले हो जरा सोचना। 5.5 वर्ष का बच्चा जब माँ के पास पहुंचा, जिस स्त्री को पति प्रेम न करता हो, जिसका इकलौता बेटा हो, वो भी 5.5 वर्ष का, क्या वो माँ अपने बच्चे को ये शिक्षा ये ज्ञान दे सकती है? बोले बिल्कुल दे सकती है। क्यों? क्योंकि वो भारत की अबला है, वो भारत की देवी है, वो भारत की स्त्री है, इसलिए वो उपदेश दे सकती है। भारत की माताएं बहन वो कर सकती हैं जो विश्व में कोई सोच नहीं सकता। वो अकेली झांसी की रानी थी जो भिड़ गई अंग्रेजों से, अगर उसके साथ धोखा ना किया होता तो वो अकेली झांसी की रानी उनके लिए काफी थी। दुर्भाग्य है उस समय भी कुछ गद्दार थे और आज भी कुछ गद्दार हैं इस देश में। सबक सिखा देना चाहिए, उस समय तो हम थे नहीं तो सिखा नहीं पाए, कम से कम आज के गद्दारों को शिक्षा दे देनी चाहिए, आज के गद्दारों को सिखाना चाहिए। जिसके लिए देश मान्यता ना रखता हो, ऐसा लोग चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो महत्वपूर्ण नहीं हमारे लिए। देश धर्म, जब तक जिस देश में धर्म ना बचे तो वो देश क्या बचेगा। घर घर में धर्म की पूजा होनी चाहिए। आज तुम्हारे देश की ये दुर्दशा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे घर घरों में धर्म कम होता चला जा रहा है। मॉडर्नेस के नाम पर हमने अपने धर्म को इग्नोर कर दिया। बड़े बड़े रईस पढ़े लिखे लोग कहते हैं आई डोंट बिलीव इन रिलीजन। इंग्लिश में बहुत अच्छी गाली है, अगर मेरा मन करे गद्दी पे ना हूं तो वो दूं उनको। इंग्लिश के पुजारी अंग्रेजों के गुलाम, बिना धर्म के न तू जी सकता है, बिना धर्म के ना तू मर सकता है। जब तेरा जन्म हुआ था तब धर्म की जरूरत थी, जब तू जिया तब धर्म की जरूरत थी, और जब तू मरेगा तब भी धर्म की जरूरत होगी। बिना धर्म के वी नेवर लिव। धर्म किसी की मजबूरी नहीं है, मंजूरी है। तेरा बेटे को पालना मजबूरी हो सकता है, शादी करना तेरी मजबूरी हो सकता है, उस रिश्ते को निभाना तेरी मजबूरी हो सकता है, लेकिन धर्म का पालन करना ये मजबूरी नहीं, तेरी इच्छा होनी चाहिए। तेरा हृदय उसको स्वीकार करे तब जाके तू धर्मात्मा कहलाएगा। बड़े भय तो का भय, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े होने से क्या फायदा जो अपना ही नाश कर बैठे। जो डिग्रियां आप लोगों ने ली है ना, ये डिग्रियां भारत में चल सकती हैं, ये दुनिया में चल सकती हैं, लेकिन मेरे कन्हैया की दुनिया में वो डिग्री नहीं चलेगी जो यहां से लेके जाओगे। वहां पर तो एक ही डिग्री है, तू धर्मात्मा था क्या धर्मी, पांडवों जैसा था या दुर्योधन की जैसा। अगर पांडवों जैसा था तो तेरे साथ ये व्यवहार होगा, और अगर दुर्योधन जैसा था तो आ जा चल, तेरी अलग व्यवस्था है। वहां पर ये डिग्री है, धर्मात्मा के अधर्मी, अधर्मी के धर्मात्मा, ये डिग्री वहां पाई जाती है। 5.5 वर्ष का बच्चा ध्रुव, मां ने कहा अगर तुझे बैठना है तो उस परम पिता की गोद में बैठ, जिसकी गोद में से तुझे कोई उतार ना सके। इकलौते बेटे को उपदेश दे रही है मां। आजकल तो मां जब फ्रीडम चाहती है ना तो बच्चे से कहती टीवी देख ले, टेंशन मत दे, वो देख ले, वो कार्टून कार्टून देख ले। ये ऑलरेडी कार्टून है, इसे कार्टून क्यों दिखा रही है? ये कम कार्टून है क्या? तेरे घर में पैदा हुआ तभी कार्टून था। जोर से बजा बजानी है तो ना तो मत बजा, हमें ना चाहिए। दर्रा का भाई तालीन ने आलसी कहीं के। ध्रुव जी महाराज जाने लगे तो छोटी माँ ने कहा, वह माँ ने कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को पाने। बच्चों में कैचिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए कहता हूँ बच्चों को कथा में लाया करो।
बच्चे सुधर गए तो जवानी सुधर जाएगी, जवानी सुधर गई तो जिंदगानी सुधर जाएगी, बचपन बिगड़ गया तो जवानी बिगड़ जाएगी, जवानी बिगड़ गई ना तो जिंदगानी भी बिगड़ जाएगी। बचपन बहुत महत्वपूर्ण है माय डियर, इसलिए मिसगाइड नहीं होना बचपन में। मिसगाइड हो गए तो गए काम से। माँ ने कहा उस परमात्मा को पाले, बच्चे को समझ में आ गई, जाने लगे तो छोटी माँ ने कहा सुन जा रहा है ना, बोले हाँ, पहले छोटी माँ को प्रणाम कर फिर जाइयो। अरे उस छोटी माँ ने मेरा अपमान किया है, उसे प्रणाम कैसे कर सकता हूं? बोले बेटा तभी तो भगवान मिलेगा। क्यों? किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। सुख दुख हानि लाभ सब मिल सही है, सुख दुख हानि लाभ जाई वेद राखे राम ताई वेद रहिए, जाई वेद राखे राम ताई वेद रहिए। दोनों हाथ ऊपर करिए, सीता राम सीता जोर से, सीता मस्ती में आगे, आलस्य हमसे दूर होना चाहिए, जब आलस्य होगा तो भगवान हमसे दूर होगा। हरि बोल, सीताराम 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 कहिए, जाई वेद राखे राम ताई वेद रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाई वेद राखे राम ताई वेद रहिए, जाई वेद राखे राम ताई वेद महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, 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 विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाई वेद राखे राम ताई वेद रहिए, जाई वेद राखे राम ताई वेद रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाई वेद राखे राम ताई वेद रहिए, जाई वेद राखे राम ताई वेद रहिए। क्या बोलेंगे? इतना जोर से बोलेंगे और चकाचक होना चाहिए एक बार जरा। भगवान किसे मिलता है? जो अभिमान नहीं करता, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जो अपनी मैं जिंदा रखता है वो परमात्मा से कभी नहीं मिल सकता, जिसने अपनी मैं को मार दिया वो भगवान से मिलने का अधिकारी है। पहले जाओ छोटी माँ को प्रणाम करो, ध्रुव ने अपनी माँ की बात मानी और जाकर पहले छोटी माँ को प्रणाम किया, प्रणाम किया फिर वन को गए। अब वन को जा रहे हैं भगवान की तपस्या करने, लेकिन बिन गुरु ज्ञान न उपजे, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, और जब तक भगवान कृपा न करे तब तक गुरु नहीं मिलते, गुरु न मिले तो गोविंद नहीं मिलता। भगवान से मिलने की पहली सीढ़ी ही गुरु है। गुरु मंत्र में श्रद्धा, गुरु मंत्र में विश्वास जब जीव को होता है तब जीव परमात्मा से मिलने के लायक होता है। अब गुरु तो इस बालक की कोई है नहीं, चले जा रहे हैं। परमात्मा संयोग बनाता, देवर्षि नारद आ गए। नारद जी को देखकर इस बालक ने प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को पाने के लिए जा रहा हूं।
इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास। नारद जी देखकर बड़े आनंद में आ गए। पूछा, तुम अभी छोटे हो, कैसे मिलोगे भगवान से? पूछा, तुम्हारे भगवान सिर्फ बड़ों को मिलते हैं, छोटों को नहीं? भगवान तो सबका है, छोटे बड़े सबको मिलता है। नारद जी समझ गए, पक्का निश्चय करके आया। कई लोग तो कथा सुनते हैं, दो दिन विचार रखते हैं भगवान से मिलना ही है चाहे कुछ हो जाए, और जैसे ही कथा पूरी वैसे ही उनके विचार भी पूरे हो जाते हैं। भगवान से मिलने के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए। परिस्थितियां आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, उनको सामने करना है, उनका सामना करना है, उनको फेस करना है। ध्रुव जी ने कहा, मुझे मिलना है भगवान से। बोले ठीक है, तुम्हारे कोई गुरु है? बोले नहीं। बोले बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते? बोले तो फिर आप हैं मेरे गुरु। अरे मंत्र नहीं दिया? बोले दे दीजिए। और मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करो। ध्रुव जी महाराज जाप करने के लिए लगे। 6 महीने तक लगातार जाप होता रहा, लगातार 6 महीने, और इतना घनघोर तप किया ध्रुव जी महाराज ने। पहले फल खाते रहे, फिर फल खाना बंद कर दिया, फिर सूखे पत्ते खाने लगे, कुछ समय बाद सूखे पत्ते खाना भी बंद कर दिया, फिर कुछ समय बाद सिर्फ वायु का आहार करने लगे, और फिर कुछ समय बाद वायु का आहार भी बंद कर दे, प्राण निकले तो निकल जाए। इतने छोटे से बालक की इतनी दृढ़वत्ता, इतना दृढ़ संकल्प देखकर परमात्मा से रहा नहीं गया। जिस सतयुग में भगवान को पाने के लिए हजारों हजारों वर्ष, 60,000 वर्ष तपस्या करना पड़ता है, उस सतयुग में ध्रुव जी महाराज से मात्र मेरे प्रभु 6 महीने में प्राप्त हो गए भगवान ध्रुव जी को, मात्र 6 महीने में। बोलिए नारायण भगवान की जय, ध्रुव जी महाराज की जय। भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। अब ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कुछ तो वरदान मांग लो, होठ फड़फड़ा रहे हैं, कुछ निकल ही नहीं रहा है। छोटा सा बालक त्रिलोकीनाथ सामने खड़े, कैसे मुंह से कुछ निकले, डर रहे हैं। कई लोग मेरे से मिलते, बोले महाराज जी जब हम आपके सामने नहीं आते तो हमारे मन में रहता हम आपसे ये पूछेंगे ये पूछेंगे, और जब सामने बैठते हैं तो कुछ याद ही नहीं रहता। जब हम जैसे ना तुच्छ प्राणियों के आगे ये कंडीशन है, तो ध्रुव के आगे तो परमात्मा ही खड़े, तो सोचो ध्रुव की क्या दशा रही होगी। स्वयं त्रिलोकीनाथ खड़े कांप रहे हैं, आंखों से अश्रुबिंदु बह रहा है। भगवान करे वरदान मांगो, भगवान समझ गए बोल नहीं पाएंगे, तो अपना शंख भगवान ने ध्रुव के कपोल से लगा दिया, और जब कपोल से लगाया तो ध्रुव का ज्ञान जागृत हो गया, और जैसे ही जागृत हुआ ध्रुव ने दोनों हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर बोले, योऽन्तः प्रविश मम वाच इमां प्रसुप्तां, संजीवयत खिल शक्ति धर स्वधाम्ना, अन्यस्त हस्त चरण श्रवणत्वगाधे प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे जगतपते, हे पुरुष पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, हे सर्वव्यापी अंतर्यामी घटघटवासी, मैं आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं अज्ञान हूं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बालक हूं, लेकिन मेरी बुद्धि को जागृत करने वाले, मेरी सरस्वती को जागृत करने वाले आप ही हैं, आप ही की कृपा।
भगवान बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले महाराज पहले बड़ी इच्छा थी, अब नहीं है कोई इच्छा। जब मेरी माँ ने मेरा अपमान किया तब मेरी इच्छा थी कि मैं भगवान को प्रसन्न करूँगा और भगवान से इतना बड़ा राज्य मांगूंगा जो मेरे पिताजी के भी पास नहीं है। लेकिन जब मैंने आपका दर्शन कर लिया तो अब मुझे समझ में आ गया कि राज्य मांग भी लूं तो भी तो एक दिन मुझे छोड़ देगा वो। भगवान के दर्शन का सबसे बड़ा फल है जीव अपने आप को पहचान लेता है। क्या करता है? जीव अपने आप को पहचान लेता है। आप बताइए, आपने अपने आप को पहचान लिया? आपका नाम क्या है? जवाब दीजिए, आपका नाम क्या है? अरे कोई भी नाम होगा बोल दीजिए, जो भी हो, क्या नाम है आपका? लेकिन जो भी नाम तुमने बताया वो तो तुम्हारे शरीर का है। ये शरीर जैसे ही चिता में जल जाएगा ये नाम खत्म। Then what is your real? तुम्हारा real name क्या है भाई? क्या है बोलिए ना। बोले I don't know, नहीं पता। मैं दासी तेरे चरण की, तू मेरो प्राण आधार। मैं दासी तेरे चरण की और तू मेरो प्राण आधार। जन्म जन्म रति तो चरण करता रहूं गुणगान। यह है तुम्हारी रियल पहचान। मैंने एक शेर बनाया, अगर आप कहें तो बोल दूं, इजाजत मिल जाए तो हैं? ओ ग्वालियर में रहते रहते भी तुम निखालस देहाती रहे, अब इतने रह रहे चकाचक जरा प्यार से बोल सुनाइए जी। ऐसे बोलते पढ़े लिखे लोग? बोले सुनाइए जी, ऐसे भूस में लठ मार है यार, कमाल कर रहा है। जरा प्यार से बोले सुनाइए जी। पिया मेरी है बंदगी, सुनिएगा यार ध्यान लगा के, मैं कर लूंगा आप सुनते रहिए बस। पिया मेरी है बंदगी और पिया मेरी है शान। पिया मेरी है बंदगी और पिया मेरी है शान। पिया मेरी है जिंदगी, पिया मेरी पहचान। पिया मेरी है जिंदगी, पिया मेरी पहचान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा से निकल।
सभी से। ये जो भजन होते हैं ना, ये अपने आप को पहचानने की बहुत बड़ी बातें होती हैं, और भगवान भजनों के द्वारा जल्दी सुनता है हमारी। इसलिए दिल से गाया करो। अरे इन दुनिया वालों के लिए तो जी न रहे हो, कुछ अपने लिए भी टाइम निकालो और गाओ दिल से, पुकारो भगवान को। क्या हरि वो दया से मेरे भगवन मैंने ये नर्तन पाया, तेरी दया से मेरे भगवन मैंने ये नर्तन पाया, तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया, तेरी सेवा में बाधा जग की मोह माया, मैं फिर भी अर्ज करता हूँ, ओ मैं फिर भी अर्ज करता हूँ, हो सके तो देना सहने की शक्ति दो, राधा मेरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो, विचलित ना हो पत से भगवन ऐसी मुझको भक्ति दो, विचलित ना हो पत से भगवन मुझको ऐसी भक्ति दो, तेरी ही सेवा की हर सा मैं करता रहूं गुणगान, मुझ दो ऐसा वरदान, मैं करता रहूं गुणगान, मुझ दो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही लेते लेते ओ तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले मेरे मन ही मन ना रह जाए,
की इच्छा मेरे मन ही मन ना रह जाए, मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन ना रह जाए, मेरी इच्छा पूरी करना ओ, मेरी इच्छा पूरी करना मेरे प्रियतम कृपाल। क्या बोलेंगे जरा जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। हे प्रभु, जब तक मैंने आपका दर्शन नहीं किया था तब तक मेरे मन में इच्छाएं थीं कि आपसे ये मांगूंगा, लेकिन जब आपका दर्शन कर लिया तो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके चरणों की भक्ति के। ये कितने वर्ष का बच्चा कह रहा है? 6 वर्ष का। 6 महीने तपस्या कर ली ना, तो 6 हो गई ना। 6 वर्ष का बच्चा कह रहा है, ना मांगू मैं सोना चांदी ना मोतियन का हार। गाइएगा जरा मेरे पीछे पीछे, ना मांगू मैं सोना चांदी ना मोतियन का हार, मैं तेरे चरणों का सेवक काना, दे दो सच्चा प्यार चरण में तेरे हो जाए सच्चा प्यार। कुछ नहीं चाहिए सिवाय तेरे चरणों के प्यार के, और कुछ नहीं चाहिए माधव, कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से बड़ा राज्य भी दूंगा, भक्ति भी दूंगा, और इतना बड़ा राज्य कि दुनिया तो सिर्फ पृथ्वी पर राज्य करती है, लेकिन तू आज के बाद मेरे लोक में भी राज्य करेगा। विष्णु लोक आज से ध्रुव लोक के नाम से जाना जाए। इस दुनिया में तुम्हें कोई 2 गज जमीन नहीं देता, और मेरा ठाकुर विष्णु लोक भी उस ध्रुव को दे देता है। इसके बावजूद भी अगर तुम्हें प्यार दुनिया से है तो जाओ, तुम्हारी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। सच्चा प्यार सिर्फ गोविंद से करना चाहिए, गोविंद ही है तुम्हारा अपना। ध्रुव जी महाराज की कथा बहुत बड़ी है, बहुत विस्तार से अगर कहें तो इतना भी कहा बहुत है। ध्रुव जी के वंश में पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने इस पृथ्वी का मंथन किया। प्रियव्रतो भागवत आत्मराम कथो मुनि ग्रहे अर्मतियन मूलम करम बंध पराभव। प्रियव्रत जी के वंश में ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत, भरत के 3 जन्मों का वर्णन है। अभी मैं कह रहा था मानव जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष का मतलब है पुनर्जन्म ना, दोबारा जन्म ना हो, उसी का नाम है मोक्ष। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, इससे मुक्ति मिल जाए यही मानव का जीवन का लक्ष्य है, इसीलिए एक प्रयास करता है। मोक्ष आसान नहीं है, एक भी इच्छा शेष रह जाए तो जीव का पुनर्जन्म होता है, और इच्छाओं का दमन इतना आसान नहीं है। इच्छाओं को मारना
इतना आसान नहीं। इसलिए हमारे यहाँ पर धर्म है जन्म से 25 साल तक ब्रह्मचर्य। ध्यान से सुनिएगा, इधर मेरी तरफ ध्यान दीजिए सब लोग। जन्म से 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ, और 75 के बाद जब तक भी जियो सन्यास। ये गृहस्थ धर्म की प्रणाली है, इसके हिसाब से जीव को जीना चाहिए। मैंने शादी करी थी 26.5 साल की उम्र में, अब ये नहीं कहूंगा कि आप भी करना, लेकिन ब्रह्मचर्य 25 साल तक, फिर गृहस्थ 50 साल तक, और जब 50 प्लस हो जाओ, अब आपकी सरकारी नौकरी चलती है 60 साल तक, राइट? 60 या ज्यादा, सरकारी लोग बैठे हैं साहब, मिलिट्री के जवान बैठे हैं, तो 60 तक ही चलती। तो 60 साल के बाद सरकार तुम्हें छुट्टी दे देती है, तो तुम अपने आप को छुट्टी क्यों नहीं देते? 60 साल के बाद जब सरकार तुम्हें छुट्टी दे दे, तो तुम भी इस दुनिया से अपने आप को छुट्टी करो, और अब अपने आप को परमात्मा के श्री चरणों में पूर्णतः समर्पित कर दो, पूर्णतः। भरत जी महाराज ने बहुत समय तक राज्य किया, और बहुत समय तक राज्य करने के बाद भरत जी महाराज वन में आ गए, तपस्या करने लगे मोक्ष की इच्छा लेकर। एक दिन वो सरोवर के किनारे पर ही उनकी झोंपड़ी थी, तो वहां बैठकर भजन कर रहे थे। एक मृगी को देखा, एक मृगी आई दौड़ी दौड़ी, और जो मृगी आई वो पूर्ण गर्भ से थी, टाइम कंप्लीट हो चुका था उसका, वो जल पी रही थी। उस मृगी ने कहीं से सिंह के दहाड़ने की आवाज सुन ली, और जैसे ही सिंह की गर्जना उसने सुनी, उसका जो गर्भ था वो प्रकट हो गया, उस गर्भ का जन्म हो गया। लेकिन डर तो समाप्त नहीं हुआ, डर के मारे सरोवर में कूद गई, ज्यादा देर तक तैर ना सकी, तो उसका प्राणांत हो गया। अब इस दृश्य को भरत जी महाराज देख रहे, राज्य छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, किसके लिए? मोक्ष पाने के लिए। अब उस मृग के बच्चे को ले आए और उसके लालन पालन में लग गए, उसका लालन पालन, पूर्णतः लालन पालन किया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब उसमें मोह पैदा कर चुके थे। मोह कितना बोले, जितना अपने बेटे में होता है। सोएंगे तो पहले उसे देख के सोएंगे कि उसकी जगह ठीक है कि नहीं, उठेंगे तो सबसे पहले देखेंगे सुरक्षित है कि नहीं, खाएंगे तो पहले उसे खिलाएंगे, पिएंगे तो पहले उसे जल पिलाएंगे, लाइक दैट। ये पूरा राम राम करने आए थे, मृग मृग हो रहा। एक दिन मृगों के झुंड को देख के मृग का बच्चा उनके साथ चला गया, लौटा ही नहीं, और इतना मोह हो गया था, प्राणांत हो गया भरत जी महाराज का। मृग मृग कहते कहते उसी मृग में इतना मोह हो गया, उनका प्राणांत हो गया, और प्राणांत ये हुआ कि अगली गति भी वही हुई, अंत मति सुगति। मरने वाले की जैसी मति होती है, उसका नेक्स्ट बर्थ वैसा ही होता है। हमारा जो मन होता है ना, जो लोग मरते हैं पैसे वैसे करते करते, वो अगले जन्म में सांप बनते हैं। आज पहले तो लोग जमीन में गाड़ के रखते थे, तो वहां जाके छुप जाके बैठ जाते थे, आजकल तो जमीन में कोई गाड़ के नहीं रखता, आजकल कहाँ रखते हैं, बैंक में, और बैंक में मार्बल लग रहा है, चक्कच्ची जगह ही नहीं, तो वहां जाने का मौका नहीं मिलता, बस घूमते रहते हैं। याद रखिए सांप की उम्र है 1000 वर्ष। कितनी है? 1000 वर्ष है। 500 साल बाद वो इच्छाधारी बन जाता है। अगर सांप 500 साल जी ले तो उसके बाद वो इच्छाधारी हो जाता है सबसे, और पूरी जिंदगी कितना कष्ट पाता है, पेट के बल चलते चलते, समझ रहे हैं ना? बनना चाहोगे सांप? इसलिए मोह मत करो, धीरे धीरे कम करो, कम करो, कम करो, कम करो। तीसरा जन्म मिला ब्राह्मण के घर में, वहां भी उनका नाम जड़ भरत रखा, रघुगण को उन्होंने उपदेश दिया। ये 3 जन्मों का वर्णन है भरत जी महाराज के, किस लिए है?
क्योंकि ये तीनों जन्म हमें उपदेश देते हैं कि अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो अपनी इच्छाओं का दमन तुम्ही को करना पड़ेगा। अगर तुम भगवान से मिलना चाहते हो तो सबसे बड़ी एक इच्छा रखो कि मुझे भगवान से मिलना है। किस किस को भगवान से मिलना, हाथ उठाइए। हाथ उठवा लो सबसे, सब तैयार बैठे हैं। एक बार फिर सोचो, भगवान से किस किस को मिलना है, सिर्फ वही उठाना हाथ। सब मत उठाइएगा, एक एक ही उठा ले। दो ने उठा रही है, तू भगवान जल्दी मिल जाएगा। एक ही हाथ उठा ले, सिंगल तो यही काफी है। एक एक हाथ उठा के बताओ किस किस को। और देख लेना, जान की कीमत पर भी जो भगवान से मिलना चाहे सिर्फ वो हाथ उठाओ, जो जान देकर भी मिलना चाहे। पक्का पक्का ना? आइए अभी मिलवाता हूं आपको भगवान से। जिन जिन को भी भगवान से मिलना हो, उपाय बहुत सीधा है। अपने हृदय में परमात्मा को बसा के, गुरु के वचनों पर विश्वास करके अपनी बची हुई जिंदगी जियो। किसी के साथ धोखा नहीं, किसी के साथ फरेब नहीं, किसी के साथ छल नहीं। पूर्णतः एक मानसिकता बना लो कि मैं भगवान से मिलना चाहता हूं, और इसके लिए तुम्हें चाहे जो भी करना पड़े वो सब परमात्मा के लिए कर डालो। फिर देखना, जितनी चिंता तुम्हें है ना भगवान से मिलने की, उतना ही चिंता मेरे परमात्मा को भी हो जाएगी तुमसे मिलने की। हे देवियों, जितना प्यार आप अपने पति से करती हो, उससे सिर्फ 20% प्यार मेरे ठाकुर जी से सच्चा कर लो, सिर्फ 20%। और ये देवता, जितना प्यार तुम अपने किसे, पत्नी का नाम नहीं लूंगा मैं, डोंट वरी। पत्नियां तो फिर भी बूढ़ी ना हो जाए तब तक पति को ही चाहती हैं, और देवता ये पत्नी को कम चाहते हैं, पैसे को ज्यादा चाहते हैं। ये सही है, हैं? क्या सही? हम मैं तो सही बोलूं व्यासपीठ में, कब गलत कह रहा हूं? और ये सच है, पति लोग जो हैं, पुरुष लोग जो हैं, वो पैसे को ज्यादा महत्व तो देते हैं। और पूछे इतना, वो हमारी देवी एक गाना गाती थी पहले, हाय हाय तेरी मेरी मजबूरी है, तेरी दो टकिया की नौकरी में है। बोले नौकरी नहीं करूंगा तो तू खाएगी क्या? अरे बोले जब मैं न रहूंगी तो खाऊंगी कौन है भाई। नौकरी है अर्निंग का पॉइंट है, और अर्निंग किसके लिए की जाती है? परिवार के लिए। तो ऐसा टाइम मैनेजमेंट करो ना जिससे परिवार भी खुश रहे और आप भी खुश रहे, है ना? ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए। तो स्त्रियां जितना अपने पति को प्रेम करती हैं, और पति जितना प्रेम पैसे से करता है, उससे 20% भी अगर तुम सच्चा प्यार मेरे ठाकुर जी से कर लो, तो मैं यकीन से कहता हूं मेरा ठाकुर तुझे मिलेगा मिलेगा मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। भरत जी महाराज के 3 जन्मों का वर्णन है, और मोक्ष पाने वालों को चाहिए कि वो अपने जीते जी अपनी इच्छाओं का दमन करें। इसके बाद हम और आप सभी आगे बढ़ें, एक और भक्त की कथा, भक्त प्रहलाद। बहुत से लोग मेरे से मिलते हैं, कहते हैं महाराज जी हम लोग जब से भक्ति करने लगे हैं सब लोग हमारी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, जब अच्छा काम करने जाओगे सब ऐसा ही करते हैं। बदनाम तो लोग नाम वालों को ही करते हैं, जो ऑलरेडी बदनाम है उसे कोई क्या बदनाम करेगा, बोलो राधे राधे। हाँ अब भाई 2-3 हमारी बॉलीवुड में ऐसे लोग हैं, एक कम्मखत ने कल कहा है, निकम्मा बेशरम बेहया वेशर्म कहीं का,
और जितनी गाली आप अपने आप दे सकें दे लेना। उसने कहा है कि जो अपना सर नहीं बचा सका हो वो हमें क्या बचाएगा। गणेश जी के लिए कहा है। बॉलीवुड में रहने वाला कोई भी प्रोड्यूसर एक्टर है, मैं न्यूज पे देखा उसको। दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारे धर्म के ऊपर कोई कुछ भी बोल देता है और हम चुपचाप बैठे रहते हैं और फिर भी हम दावा ठोकते हैं कि हम धर्मात्मा हैं सबसे बड़े। उसको नहीं पता कि सर काटा किसने। पहले तो वो अंग्रेजी का फूल, समझ गए ना, अंग्रेजी में फूल किसको कहते, हाँ अंग्रेजी का फूल, अपने माँ बाप के पास जाए और कहे कि मुझे ज्ञान दो, मुझे हिंदू धर्म के बारे में समझाओ, उसके बाद कोई कदम उठाए और न उसके माँ बाप इस लायक ना हो उसे समझा सकें। तो मेरी व्यासपीठ कहती है मेरे सामने आ, मैं तुझे बताऊंगा कि गणेश जी अपने सर को क्यों नहीं बचा पाए। अगर जानना है तो मेरे पास आ, मैं सिखाऊंगा तुझे। जब तुम जानते नहीं तुम्हारा धर्म क्या है, औरों को मूर्ख कहना आसान है और फिर वैसे भी मूर्ख थोड़ी कहता है कि मैं मूर्ख हूं। मूर्ख अपने आप को सबसे बड़ा अकलमंद मानता है। हमारे और आपके यहां सनातन धर्म में सर्वप्रथम पूजा गणेश भगवान की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सर काटने वाले कौन थे, जोर से बोलिए, हैं, भोलेनाथ। और अपना पिता अगर सर भी काटे तो ये भारत की सभ्यता है, उसको मना नहीं किया जाता, उसे मना नहीं किया जाता। अरे निकम्मे तुम क्या जानोगे जो अपने माँ बहन की भी इज्जत न करना जानते हो। तुम ही जैसे गंदे लोगों ने भारत की बहन बेटी को कम कपड़ों में नचाया है। तुम क्या जानो हिंदू धर्म क्या होता है, जिस देश में अपनी एक बहन बेटी की इज्जत के लिए लाखों कुर्बानियां दे दी जाती हैं, तुम पैसा कमाने के चक्कर में उसी भारत की बहन बेटी को कम कपड़ों में नचाते हो और कहते हो मेरी मूवी हिट हो गई। तुम क्या जानो भारत के मान सम्मान को, तुम नहीं जान पाओगे। अपने माँ से जाके सीख और पूछ कि भारत की बेटी की लाज कितनी होती है। ये सनातन धर्म ही है जहां अगर पिता सर भी काट दे तो मना नहीं किया जाता, काट दो। इन्हीं गणेश जी ने जो और लोग आए थे सबको मार पाट के भगा दिया था, लेकिन जब भोलेनाथ आए तो कर दीजिए महाराज, आप पिता हैं हमारे, हमें मंजूर है। और एक गणेश जी नहीं, हमारे इतिहास में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने पिता के धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी। राम से सीख, राम ने एक क्षण में 14 वर्ष के लिए वनवास ले लिया, किसकी वजह से, कहीं मेरे पिता का वचन झूठा ना हो जाए। हम सिर्फ उसे जुबान से ही सिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि इसलिए गणेश जी ने सर कटवा लिया था अपना। ठीक है, आप लोग तो सेटिस्फाई है ना मेरे सब उत्तर से, है कि नहीं। हाँ आज ही ले, राधे राधे। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे पापी लोग शुरू से ही होते आए हैं। ये हिरण्यकश्यप के ही वंशज हैं, गलती से रह गए होंगे कहीं और, क्या है, हिरण्यकश्यप की औलाद है। हमारे ब्रज में एक कहावत है बंदर का जान है, ये बंदर भी नहीं है। बंदर को तो पता तो है कि हनुमान जी हमारे, बंदर भी तो राम की सेवा के लिए समर्पित हो जाते हैं, ये तो उनसे भी गए गुजरे। अदरक छोड़ो, इन्हें तो हरी मिर्च को भी स्वाद ना, बेकार लोग हैं ये। धर्म को जानने के लिए त्याग करना पड़ता है, जब तुम त्याग करोगे तो धर्म को जान जाओगे। कुछ त्याग करो पहले। और सुनो, शुरू से ही ऐसे लोग हमारे धर्म में रहे, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, हिरणाक्ष हो, रावण हो, कुंभकर्ण हो, शिशुपाल, दंत वक्र, कंस, जरासिंध और न जाने इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन अंत में मरे तो दुष्ट ही मरे कि नहीं, कौन मरे बताओ,
दुष्ट मरे कि नहीं? भक्तों ने कष्ट उठाया, वो तो आज भी उठा रहे। सच्चाई के मार्ग पर चलने वालों का प्रमोशन नहीं होता, और इधर उधर से करने वाले चकाचक, हजूरी करने वाले चकाचक। आप ही के मध्य प्रदेश में हमने सुना है, एक वो पकड़े गए, क्या नाम है उनका, क्लर्क, और चकाचक पैसा। अब ऐसा काम करके अगर आप धनवान बन गए तो तेरी औलाद क्या बनेगी, जरा उनके बारे में सोचो। पहले हमारे माँ बाप सिखाते थे, बेईमानी का करोड़ों रुपया मिट्टी समझ के ठोकर मार देना, क्योंकि बेईमानी की कमाई हुई दौलत से रोटी खाएगा तो तू बेईमान बनेगा, और तू सिर्फ बेईमान नहीं बनेगा, आने वाली पीढ़ी बेईमान हो जाएगी। और अपनी औलाद को ईमानदारी की एक रोटी खिला दे, चाहे वो भूखा सो जाए, लेकिन बेईमानी की रोटी मत खिला, ये तेरा धर्म सिखाता है। और याद रखो, उतना यकीन करना, भगवान किसी को भूखा सोने नहीं देता। अगर ईमानदारी पे चलेगा, चाहे लाख कठिनाई आ जाए, पेट भर के रोटी मिल जाएगी। विश्वास तो करो, तभी ना मिलेगी। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिए, न दिन में मरू न रात में, सुनना वरदान, देखना ध्यान से सुनना, न दिन में मरू न रात में मरू, न घर में मरू, न बाहर मरू, न धरती पे मरू, न आकाश में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न नर से मरू, न नारायण से मरू, कुछ बच गया हो तो 12 महीनों में से किसी महीने में ही ना मरू। अब इतने जब वरदान मांग लिए तो समाज में कह दिया, अहम ब्रह्मोस्मि, तुम मुझे भगवान मानो, और जो मुझे भगवान नहीं मानेगा उसे एक ही सजा मिलेगी, मृत्यु दंड। सब लोग एग्री हो गए, सब उन्हें भगवान मानने लग गए, सब उनकी पूजा करने लग गए। हमारे हिंदू धर्म में एक ही कमी है, एक ही कमी है, हमारी जो मन्नतें पूरी कर दे हम उसी को देवता मान लेते हैं, चाहे वो पेड़ ही क्यों ना हो। ये गलत है। एक इष्ट में इतनी श्रद्धा रखो, इतनी निष्ठा रखो कि आप विनती कर दो तो वो तुम्हें दिए बगैर रह ही ना सके, रह ही ना सके। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए निष्ठावान होने से भगवान कृपा करते हैं। निष्ठावान बनो, श्रद्धावान बनो, पक्का बनो, बने बिना काम नहीं चलेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जब उसने इतने वरदान मांग लिए तो उसने कह दिया मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, और सब पूजा करने लग गए, सब भगवान को छोड़ के उसकी पूजा। लेकिन भगवान भी तो भगवान है, जब देखता है अंधेरा बहुत हो गया है तो एक दीपक जला देता है और वो दीपक पूरी रोशनी कर देता है। भगवान ने भी ऐसी कृपा करी, ये तो कहता है मैं भगवान हूँ, भगवान ने कहा तेरे घर में दीपक जलाऊंगा भक्ति का, और उन्हीं के घर में भक्तराज प्रहलाद प्रकट हो गए। प्रहलाद जी की उम्र है मात्र 7 साल। कितनी उम्र है, जोर से बोलिए, तुम कितने के हो? बच्चे बचपन में पढ़ने जाते हैं कि बुढ़ापे में है? जिंदगी जीने का हुनर कब सिखाया जाता है, बुढ़ापे में या बचपन में? तो भगवान को पाने का हुनर कब से शुरू कर देना चाहिए? तो क्यों नहीं समझते इस बात को, क्यों नहीं शुरू करते इस यात्रा को, क्यों इंतजार करते हो बूढ़े होने का? अरे बूढ़े हो गए तो भगवान भी कहेगा आई डोंट लाइक यू। क्यों बोले आई डोंट लाइक योर फेस, यार दांत रहा नहीं, फेस पे ग्लो रहा नहीं, व्हाई आई लाइक यू? बचपन में देखो कितनी मासूम सुंदरता होती है ना, किसी भी बच्चे को उठा के देखो, पूछो, इतना ब्यूटीफुल फेस लगता है ना बचपन में, जवानी में भी उतना सुंदर नहीं लगता, सबसे ज्यादा सुंदर लगता है बचपन में। और मेरे ठाकुर जी को ये बचपन बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है, बहुत। जोड़ते बोल ले, और जोड़ते एक बार, ये ऐसे ऐसे लगा तो एकदम बैठ के कथा कह रहे हैं ब्रज में। बोल बंसी, ये जय कहीं बुलवा लो, हमारे राउंडिंग को छोड़ के कहीं इतना आनंद नहीं आता इस जय में। ये जय सिर्फ हमारे काज बनाई है ठाकुर जी ने। कौन सी जय?
यार रेड़ मत मारो यार, जोड़ते बोलो एक बार। क्या आनंद है इसका, अलग ही आनंद है। कितनी भी जय बोल लो और ये जय बोलो अलग अलग पहचान हो जाती है कि एकदम चंबल की गाड़ी से ही आए हैं। भक्ति करनी हो तो बचपन से शुरू कर दे। निर्मल मन है और निर्मल मन कबीरा कहते हैं, निर्मल मन भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। निर्मल मन हो जाए तो चकाचक मेरा प्रभु, अभी तो तुम और हम ढूंढ रहे हैं प्रभु कहाँ है प्रभु कहाँ है, लेकिन जब तेरा मन निर्मल हो जाएगा तो मेरा प्रभु तेरे पीछे ढूंढेगा तुझे, मेरा भक्त कहाँ है मेरा भक्त कहाँ है। चले, प्रहलाद जी महाराज ने भक्ति करना प्रारंभ किया। हिरण्यकश्यप को पता चला, हिरण्यकश्यप ने कहा देख अगर मेरी बात नहीं मारेगा तो मैं तुझे मार दूंगा। तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं पिताजी मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बजाने वाला है भगवान। दोनों हाथों से ताली मस्ती में बजाइए। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता जिसका, बाल नवा का होता जिसका रक्षक कृपा निधान, गगन में सब पर उसकी सत्ता, सब पर उसकी सत्ता, बोलिए सब पर उसकी सत्ता, उसकी मर्जी के बगैर तो हिल नहीं सकता पत्ता, हिल नहीं सकता पत्ता, हिल नहीं सकता पत्ता। क्या होनी है क्या अनहोनी, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालनवा होता जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला। जोर से बोलना पड़ेगा। क्या होनी है क्या अनहोनी सबका उसको भान, उसे सब पता है, He knows everything, everything। क्या हो गया क्या हो रहा है और क्या होगा वो सब जानता, सब। प्रहलाद जी को सजा मिली,
कारागार में बंदी बना लिया और प्रहलाद जी को मारने के लिए विष भेज दिया। भगवान जी की कृपा समझ के पी गए और वो विष भी अमृत हो गया। जब विष जा रहा था ना, नारायण भगवान ने कहा बोले बाबा से, बाबा ये देखो क्या हो रहा है। बोले हाँ हो तो गलत रहा है। बोले क्या करोगे प्रभु, कुछ करो, मदद करो, आपको तो विष पीने का स्वभाव है आपका तो। बोले ना तो बोले चिंता मत करो प्रभु, जब एक कलश पी गए, जब कुछ नहीं हुआ, ऐसे तो डांट भी गीली ना हो, जट गए और जट पी गए और प्रहलाद के लिए अमृत बन गया। आकाश से भी ऊंची पहाड़ की चट्टाने अगर भी मुसीबत बन जाए तो भी परमात्मा तुम्हारी हिफाजत करता है, अगर तुम्हें उस पर यकीन है तो। पर्वत की चोटी पर जल्लाद ले गए प्रहलाद को और कहते या तो भगवान को मान ले, अपने पिता को भगवान मान ले, वरना तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कहते हैं जिसने मारना है वही मारे तो मरूंगा, दुनिया मेरे कुछ नहीं कर सकती। तुम मुझे मारने आए हो, करो ट्राई। ऊपर से फेंक दिया और जब फेंका तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझे मरने का गम नहीं, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो बदनामी तेरी होगी, लोग तेरा नाम लेना बंद कर देंगे। भगवान बोले चिंता ही क्यों करा है? जो मेरे हवाले है उसकी गाड़ी बीच में कभी नहीं रुकती। ऊपर से फेंका, ठाकुर जी ने अपनी बाहों में ले लिया प्रहलाद को, अपनी बाहों में ले लिया, बाहों में संभाल लिया। ये दुनिया सिर्फ फेंकना जानती है और मेरा ठाकुर संभालना। ये दुनिया तो थ्रो करती है, मेरा भगवान तुम्हारी केयर करता है। इसके बावजूद भी हमें प्यार इस ठोकर मारने वालों से ही होता है, केयर करने वाले से हमें प्यार नहीं। थोड़ा समझो, जागृत हो, पहचानो, उसे अपना बना लो। प्रहलाद को मारने के लिए चिता बनाई गई, होलिका को कह दिया इसको जला दो। मुस्कुराते हुए प्रहलाद अग्नि की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग हाय हाय कर रहे हैं, ये कैसा दुष्ट पिता है, अपने बेटे को मारने पर तुला, अपने बेटे को जला रहा है। प्रहलाद जी कहते हैं तमाशा ना बना मुझको, मेरा दिल टूट जाएगा। तमाशा ना बना मुझको, मेरा दिल टूट जाएगा। तमाशा मत बनाओ प्यारे। अरे बोले चिंता क्यों करता है, चल तो सही। भगवान ने पवन देव को कह दिया यू नो व्हाट इज योर जॉब। बोले यस आई नो, मुझे जो करना है प्रभु मालूम है। बोले तो कर डाल। एक पट, एक कपड़ा, एक वस्त्र होलिका ने ओढ़ा है, वो शीतल है। जब जिसके ऊपर वो वस्त्र रहेगा वो जल नहीं सकता, उसके साथ जो जाएगा वो जल जाएगा। जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर उस चिता में बड़ी, शीतल पट उड़ गया। कैसे उड़ा? बोले 49 तरह की पवन बड़ी तेज हो गई एकदम से और वो संभाल ना सकी और वो वस्त्र चला गया प्रहलाद जी के ऊपर। प्रहलाद जी सुरक्षित हो गए और होलिका जलकर गोविंदाय नमो नमः, होलिका जल गई। राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से। और तभी से ब्रज में होली का त्योहार मनाया जाने लगा। गए हो ब्रज में होली देखी? निकम्मे हो, पिछली बार भी आया था, मैंने कहा था होली पे आना, आए नहीं सब। कौन कौन आया था ब्रज में होली पे? इस बार आए थे ना? कितना आनंद आया है, आया था कि नहीं? अरे आस्था पे भी तो देखा होगा, किस किस को आनंद आया था। तो ये सो हमारी काना रंग मती डा, सो हमारी काना रंग मत डारो। जिजमान कह देंगे तभी गाएंगे। जिजमान ने बुलाए होली गाएं कि नहीं गाएं साहब हैं? जिजमान नहीं कहेंगे तो हम नहीं गाएंगे।
तुम्हारो का है, तुम कल नहीं आए तो जिजमाने तो रोज बैठनो बेचारे, बताओ साहब ठीक है। तो ऐसो हमारे काना रंग मत डारो, ऐसो हमारे काना रंग मत डारो, हो गोरो गोरो रंग मेरो, गोरो गोरो रंग मेरो, गोरो गोरो रंग मेरो, गोरो गोरो रंग मेरो, कहूँ है न जाए कारो। तो ऐसो हमारे काना रंग मत डारो, ऐसो हमारे काना रंग मत डारो। पिचकारी न मारो, तो सो हमारे काना रंग मत डारो, सो हमारे काना रंग मत डारो, ओ गोरो गोरो रंग मेरो, गोरो गोरो रंग मेरो, ओ गोरो गोरो रंग मेरो, गोरो गोरो रंग मेरो, कहूँ है न जाए कारो। बैठ जाओ, बड़ी मेहनत करी है तुमने, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। ओ लगवाए ले, इतना ही है। तब से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। वैसे हम जैसे लोग कथा कहने कम आते हैं, नहीं हम जैसे पागल कहां मिलेंगे आपका। जिजमान हमते भी बड़े पागल है जो हमें यहां बुला लाए। अरे भाई हम जैसे पागल आएंगे तो ऐसे ही होगा ना। मैं तो कहता हूं भगवान हम सबको ऐसे ही पागल कर दे, टक चका चक, भगवान की भक्ति में पागल सब हो। बोलो बंसी, ऐसे बोलना चाहिए बाबरा आदमी। हाँ विराज जाओ। जब मैं भजन करता हूं ना तो कई लोगों को तो लगता है बोले इंटरवल हो गया, चलो अभी आते घूम के, कहीं तो पानी भी इसी समय में मंगा लेते, बीच में देने आगे तो महाराज जी कभी भी देख लेंगे। अरे भाई देखो जिसको पानी की जरूरत हो करे वो लेके बैठा करो, मंगाया मत करो बीच में, बुरा लगता है, लेके बैठा करो आप, क्या बुराई है। आजकल तो वो आते हैं ठंडे ठंडे रखने वाले, घर से कुछ तो लेके चला कर, पानी भी जिजमान का ही पिएगा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से। भगवान प्रहलाद की रक्षा के लिए खम्मा फाड़ कर प्रकट हुए नरसिंह भगवान। बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान खम्मा फाड़ कर प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप को उठाया अपनी जंघाओं पर डाल लिया और हिरण्यकश्यप से कहा, ब्रह्मा के मांगे हुए वरदानों को याद कर, एक भी वरदान झूठा नहीं है। क्या वरदान मांगा था? न दिन में मरूं न रात में। भगवान कह रहे हैं सायंकालीन वक्त है, न दिन है न रात, वरदान कंप्लीट। मैंने वरदान मांगा है घर में मरूं न बाहर, बोल डोंट वरी,
घर के बाहर भी नहीं, घर के भीतर भी नहीं, बीच चौकट पे मारूं। मैंने वरदान मांगा है अस्त्र से, मरू न शस्त्र से। भगवान बोले देख तो ले, देख मेरे हाथ में कुछ है। बोले नहीं, नाखून इतने बड़े इनसे तेरा सीना चीर दूंगा। मैंने वरदान मांगा है न नर से मरू न नारायण से। भगवान बोले लोकेट मी, सी देख इधर। हाँ देख ले। बोल जी देख लियो, बता कैसा लग रहा हूं। बोले महाराज बढ़िया लग रहे हो। अरे बता तो दे कैसा लग रहा हूं। बोले पिछली सरकार जैसे लग रहे हो जो चली गई। ये सरकार तो कंप्लीट आई है भाई, जा मार कछु कह ना सके आगे तो। बोले पिछली सरकार जैसे लग रहे हो। अच्छा मतलब? बोले आधे नर आधे सिंह मिक्सचर है तो। बोले ये वरदान पूरा? बोले पूरा। और मैंने वरदान मांगा है 12 महीनों में से किसी महीने में ही ना मरूं। बोले मरने के बाद होते हैं 13। क्या होते हैं? 13 करते हैं ना। बोले हाँ। बोले तो तू VIP है भाई, और तुम जैसे VIPयों के लिए भी हमें कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, और तेरे जैसे VIP के लिए दुनिया के लिए होते हैं 12 महीने, तेरे लिए बनाया हमने 13वां महीना, जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास, अधिक का महीना, लोन का महीना कहते हैं ना, मल का महीना। गए हो इस महीने में किए हुए सत्कर्मों का फल कई गुना लगता है, इसलिए नरसिंह भगवान को देख के हिरण्यकश्यप कांपने लगा और कहने लगा प्रभु जब इतने अरेंजमेंट करके आए हो तो एक बात तो कन्फर्म है कि अब हम बचने वाले नहीं। लेकिन भगवान को बड़ा गुस्सा आया कब, जब प्रहलाद की आंखों में आंसू देखा। जानते हो क्यों? भगवान सब कुछ देख लेते हैं, सह लेते हैं, लेकिन अपने भक्त का दुख वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और उस प्रहलाद की आंखों में आंसू देखकर नरसिंह भगवान के नेत्रों से ज्वाला बरसने लगा। इतना क्रोध। कहा दुष्ट तूने मेरे भक्त को बड़ा कष्ट दिया है। आज मैं देखो जितनी बुरी तरीके से भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा है ना, और किसी को इतनी बुरी तरीके से नहीं मारा। इसको चीर दिया था बीच में से, आत्माओं को निकाल के गले में धारण कर लिया था मेरे प्रभु ने। किस लिए? रावण ने राम से शत्रुता की, कोई बात नहीं। कंस ने कृष्ण से शत्रुता की, कोई बात नहीं। लेकिन इस हिरण्यकश्यप ने किसको शत्रु माना था अपना? जोर से बोलो, भगवान के भक्त को। इसलिए सबसे बुरी मृत्यु उसकी हुई, आत्मा ही निकाल के भगवान ने पहन ली, चीर दिया बीच में से उसको, एकदम नाखून से चीर दिया। क्यों? भगवान कहते हैं तू मेरे भक्त का अपमान मत कर, मेरा भक्त मुझसे भी महान है। इतना भगवान को गुस्सा आया, अब तो गुस्सा शांत होने का नाम ही ना ले बिल्कुल भी। लक्ष्मी जी आई तो भगवान बड़े क्रोधित हुए उस पर। लक्ष्मी तो आई यूं, पति कितना भी गुस्सा हो, पत्नी आ जाए तो सब गुस्सा देखत कहीं खत्म है जा। ऐसा लगा जैसे बर्फ को पहाड़ खिसल गए हो, पत्नी देखत ही। और लक्ष्मी जी तो आई जय चक्कर में कि मैं जाऊंगी, झट क्रोध शांत है जाएगा। वो तो और क्रोधित हो गए नरसिंह भगवान, बड़े गुस्से में बोले जिसके पास तू चली जाती है वो मेरे भक्तों का अपमान करता है, तू उस इंसान को घमंडी बना देती है, चली जा यहां से, चली जा वरना तेरी खैर नहीं। वो भागी लक्ष्मी जी। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी पर और क्रोधित हुए, आप देख नहीं सकते किसको क्या वरदान देना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किसको क्या वरदान देना। देखो इस छोटे से बच्चे को कितना कष्ट सिर्फ तुम्हारी वजह से उठाना पड़ा। अब तो किसी से भी प्रसन्न नहीं हो रहे प्रभु, किसी से भी नहीं। देवऋषि नारद अलग खड़े, देवता अलग खड़े, लक्ष्मी जी चली गई, अब सब देख रहे हैं कि भगवान का क्रोध शांत कौन करेगा। तब शंकर भगवान ने वो कहा कि अगर तुम शांत चाहते हो कि भगवान का क्रोध शांत हो जाए तो सिर्फ प्रहलाद रोक सकता है इस समय, सिर्फ प्रहलाद। और झट जब प्रहलाद जी को शंकर भगवान ने कहा तो दोनों हाथ जोड़कर मेरे प्रभु के सामने जाकर खड़े हो गए
और झरझर आंखों से आंसू बहने लगा और कहने लगे, प्रभु मुझे नहीं पता था तुम अपने भक्तों पर इतनी कृपा करते हो, इतनी दया करते हो, अपने भक्त के लिए इतना क्रोध, इतना सब कुछ। और जैसे ही प्रभु ने भक्त को देखा, प्रहलाद को, उनका क्रोध एक सेकंड में गायब, तुरंत उठा लिया, अपनी गोद में बिठा लिया, और गोद में बिठालकर इधर प्रहलाद रो रहे हैं, उधर मेरे प्रभु रोने लगे, कहने लगे, मेरे बच्चे तूने बड़ा कष्ट उठाया, इस दुष्ट ने तुझे बड़ा कष्ट दिया है मेरी वजह से। मेरे प्यारे बच्चे, और भगवान उसे अपनी जीव से चाटने लगे, जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, वैसे इस समय मेरे प्रभु अपने भक्त प्रहलाद को चाट रहे हैं। कौन देगा रे तुम्हें इतना प्यार, कौन देगा, कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी। इसके बावजूद भी अगर तुम्हें भगवान से प्यार ना हो तो समझना कि तुम्हारे बहुत पाप है रे, बहुत ज्यादा पाप है। इन पापों को दूर करो, भगवान से सच्चा प्यार करो। जो प्रहलाद के लिए खम्मा फाड़ कर प्रकट हो गया, वो तुम्हारी रक्षा के लिए ग्वालियर में नहीं आएगा, आएगा, अवश्य आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। अपने भक्त को देखकर एक सेकंड में उनका गुस्सा शांत हो गया। जिसको गुस्सा आ रहा हो वो एक सेकंड में शांत नहीं हो सकता, लेकिन भगवान अपने भक्त को देखकर एक सेकंड में प्रसन्न हो जाते हैं। यही भगवान का स्वभाव है। भगवान ने नरसिंह बनकर हिरण्यकश्यप का सीना विदीर्ण किया। कथाक्रम बहुत है। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन देवता और दैत्यों ने मिलकर किया। सुखदेव जी महाराज कहते, थोड़ा बहुत समय ज्यादा लग जाए तो चिंता वाली बात तो नहीं, घर ज्यादा जल्दी तो ना जाए कि, अरे तुम तो हाथ कर रहे हो सही है, तुम पे तो ना घर में काम ना बाहर, तुम्हारी तो उम्र कंप्लीट है, देवीन ने काम करना हो, घर जाए रोटी बनानी है, जिनकी लड़ाई होते घर में रोज चली जाते, कथा सुनवे रोज चली जाते, हमें छोड़ जाते। देवियों तुम शाम की सब्जी दोपहर में बना के आया करो। हाँ मैं आइडिया दे देता, अरे आजकल तो फ्रिज है, बनाया के फ्रिज में धरे आई, और जाए कि वो कहा हुआ वो एक और कारो सो वहाँ में धर दियो, झट गर्म है जाए दो मिनट में, ले खा ले ताती ताती ना कहा हो जो हो एक और हो ना, हाँ माइक्रोवेव, हाँ जाके घर में माइक्रोवेव ना, वो पत्नी रोज लड़ाई अपने पति थे, ले आओ कितनी सब्जी बिगड़ जाते हैं, अथवा फ्रिज में दर्द है वो ठंडी का ऊपर खाई जाए, है तो ठंडी खा ले, नहीं नहीं गर्म खाएंगे। अरे साहब घर के भी एक अलग ही कथा रही है, और वो कथा भी बड़ा सुख दे साहब, राधे राधे बोलना पड़ेगा, लेकिन वो दूसरे की घर की कथा ज्यादा सुख दे बजाय अपने घर की, अपने घर की तो टेंशन दे। तो वो कारों से हो बिजली में लगे और ये बटन दबा दो गर्म कर दे पांच मिनट में, हाँ तो सब बढ़िया है ना, तो बना के आओ करो, और ऐसा कहते तो रोटी भी गरम गरम मत ऐसी धरिया, सवेरे ही बना दे सांझ की भी। बोले महाराज जी फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, यूँ क्या होकर कथा में चल, तू चले और मऊ ले चल, और फिर खवाऊंगी सांझ को आए कि ताती ताती बढ़िया, और अगर अकेलो भेजेगो तो ले ले गरम फुलकिया राधे राधे। मेरी बातों को हंसने के लिए कभी कभी इस्तेमाल कर लिया करिए, करना तो वही है आपने जो कर सको, लेकिन कथा ना छूटे ऐसा साधन आप जरूर किया करो, जिससे भगवान की कथा ना छूटे, इसके लिए चाहे जो भी उपाय करना पड़े, क्योंकि भगवान की कथा एक धारा है राधा नाम की, जो धारा में बह जाते हैं ना वो सीधे भगवान के पास ही पहुंचते हैं, और कहीं बीच में नहीं उनको पहुंच रुकना है। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में से जब अमृत निकला उससे पूर्व सबसे पहले विष निकला था, और जब विष निकला तो दैत्य कह रहे हैं देवता तुम पियो,
देवता कह रहे हैं दैत्य तुम पियो, और जब कोई पीने को तैयार नहीं हुआ तब वो विष से भरा हुआ कलश बाबा भोलेनाथ के पास पहुंचा। यहां जितने भी फैमिली के हेड मेंबर बैठे हुए हैं ध्यान से सुनना, कौन कौन चाहता है कि हमारा घर कभी न टूटे, जो जो चाहते हैं हाथ उठाइए, जो चाहते हैं हमारा घर कभी न टूटे। नीचे करो हाथ। हमारे यहां कहते हैं जो सहता है वो रहता है, जो सह नहीं सकता वो रह नहीं सकता। बाबा भोलेनाथ देवताओं में भी सबसे बड़े हेड हैं, और सब देव ये महादेव हैं। महादेव इसलिए देवताओं के हित के लिए वो विषपान भी करना स्वीकार कर लेते हैं। लोग उन्हें याद नहीं करते जो सिर्फ पाना जानते हैं, लोग उन्हें याद करते हैं जो देना भी जानते हैं। जिसे देना नहीं आया वो पाना तो जानता ही नहीं, देना आएगा। देने का मतलब क्या है? ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग फॉर रिसीविंग। If you know how to give, it means this is a procedure of how to receive. जब तुम देना सीख लो तो ये अपने आप आ जाएगा, यही procedure है। बाबा भोलेनाथ ने देवताओं के हित के लिए वो विषपान कर लिया, और जो घर का मुखिया अपमान रूपी विष पान कर सकता है उसका घर टूटने से बच सकता है, उसका घर टूटने से बच सकता है। बूढ़ो लठिया लेके अलग चले, जवान अपनी चाबी की बाइक की चाबी लेके अलग चले, बहू अपने तिजोरी की चाबी अलग ही रखे, और सासू माँ के हेचा में जान चली जाए पर तो घर की माल के ना बनन दूंगी। टूट गया घर, घर टूटने में कितनी देर है? घर टूटने में ज्यादा देर नहीं। जब देखें कि हमारे घर की बहू चाहती है तो सास ससुर को चाहे ले बेटा तेरा घर तुझे अर्पण, लेकिन एक ही प्रार्थना है, घर तोड़ने की बात मत करियो, हमें तू जैसे रखेगी रहेंगे, जैसे खिलाएगी खाएंगे, लेकिन घर मत तोड़ियो। क्यों? बोले ये बेटा मैंने तेरे हवाले किया, जैसे तेरे भाई को तेरी भाभी के हवाले कर दिया गया वैसे मैंने अपना बेटा तेरे हवाले कर दिया गया। मैं हर चीज सह लूंगा लेकिन घर छोड़ के मत जाइयो। अपमान का विष जो पान करे उसका घर कभी नहीं टूटता, ट्राई करके देखिएगा। अमृत का कलश निकला, दैत्य लेकर भागे, भगवान ने तुरंत मोहिनी रूप बनाया और मोहिनी बनकर चले गए। और ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जो सुंदर रूप को देखकर मोहित ना होता हो। क्यों जी? है इस दुनिया में ऐसा जो सुंदर रूप को देख के मोहित ना होता हो? है कोई? अरे चाहे मन में गलत भावना ना आए लेकिन इतना तो आता ही है भाई, परमात्मा ने बनाया बहुत सुंदर है बंदे को। जिनके हाथ में अमृत कलश हो, हाथ में, भगवान कितने सुंदर बने होंगे। जिन्हें देखकर दैत्यों ने, बुरे स्वभाव वालों ने अमृत पीना छोड़ दिया और वो सब उन्हें देखने में लग गए। कल्पना कर सकते हो? यहां पर कौन कहता है कि मैं सुंदर हूं? यहां एक भी व्यक्ति ऐसा सुंदर नहीं जो तुम्हें देखने के चक्कर में कोई चाय पीना भी छोड़ दे। इवन तुम सुंदर हो तो थोड़ा बहुत तुम्हें देखता भी रहेगा, चाय भी पीता रहेगा ना, लाइक दैट। लेकिन तुम्हें देखने के चक्कर में वो चाय ठंडी कर ले ना, मतलब चाय कितने रुपए की होती है? पहले तो ठंडी की मिलो करी, अब एक की है गई, पांच की है गई, दस की है, 10 रुपया मिल जाते होगी, पांच में 5 रुपया मिलती है, तो तेरी सुंदरता 5 रुपया लाख ना है। हम पे तो आते सूदी सूदी कहे भी भाई 5 रुपया की अगर तू पहले का हुआ देख ले, चाय ठंडी है गई दोबारा बनवा ली, बोले ना इतनी मलूक ना है सुंदरता जो 5 रुपया की चाय ठंडी कर दूं, फिर
फिर क्या फायदा ऐसी सुंदरता का? अरे सीखिए भगवान की सुंदरता देखिए क्या है, अमृत पीना भूल गए लोग। अरे डूबना है तो सागर में डूबो, नदी में डूबेंगे तो कहेंगे पागल था। सागर की उस सुंदरता में ऐसी छलांग लगा दे जिस सुंदरता के बाद कुछ और देखना बाकी ही ना रहे। और यह सुंदरता है मेरे परमात्मा की, मेरे कन्हैया की, मेरे दिलवर मोहन दिलदार की। पहले तो तेरा वॉल्यूम डाउन रही है ना। तो ऐसी सुंदरता, अमृत पीना भूल गए और भगवान ने छल करके देवताओं को अमृत पान करा दिया और दैत्यों को मदिरा पान करा दी। यही परमात्मा का स्वभाव है। स्वभाव क्या है? वो पात्र को देता है, कुपात्र को नहीं। लिसन टू मी माय डियर, जो पात्र नहीं है परमात्मा उसे देता नहीं। अमृत का पात्र है देवता, इसलिए देवताओं को पिला दिया, और मदिरा का पात्र है दैत्य, इसलिए उनको मदिरा पान करा दी। जो लोग नित्य मदिरा पान करते हैं वो दैत्यों के ही लायक हैं, इसलिए जीवन में कभी मदिरा पान नहीं करनी चाहिए। पान करना तो दूर है, उसका स्पर्श भी मत करो मेरे भाई बहन। लोग कहते हैं हम पर भक्ति का असर नहीं होता, कहां से असर होगा? हो ही नहीं सकता। जरूरत पड़े तो मंदिर में घंटी जाके बजाते हो और दूसरे ही दिन मंदिर की बजाय मदिरालय में जाके ड्रिंक कर लेते हो, वहां भगवान का प्रसाद भी खाते हो और दूसरी तरफ मीठ भी खा लेते हो। एक तरफ परमात्मा की वंदना करते हो और दूसरी तरफ गंदे गंदे गाने सुनते हो, कैसे असर होगा? दो नाव में चलने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। मेरी बातों पर चाहे तो हंस लेना, चाहे समझ लेना, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मेंटलिटी तुम्हारी जैसी होगी तुम उतना ही समझोगे। पात्र छोटा हो तो उतना ही पानी आएगा, पात्र बड़ा हो तो उतना ही पानी आएगा, उससे भी बड़ा हो तो ज्यादा पानी आएगा। वैसे ही तेरा माइंड जितना ओपन होगा उतना ही विचार आएगा। मंदिर मदिरालय ज्यादा अंतर नहीं, जिधर तेरे पैर चले जाएं मंदिर तार देगा, मदिरालय मार देगी। ये कथा पंडाल तार देगा, मूवी थिएटर मार देगा। कदम तो तेरे ही है, जाना तो तुझे ही है, जाना तो तुझे ही है मेरे भाई बहन। मैं क्या कर सकता हूं? तुझे तो यह भी नहीं पता कथा पंडाल में बैठने कैसे चाहिए। जवान होकर भी कुर्सी के चक्कर में रहते हो, क्यों? क्यों जी? बोलूंगा, हमारा दोनों नाव में पैर है और दो नाव की सवारी करने वाला इंसान हमेशा डूबता है। या तो मंदिर जाता है तो मदिरालय जाना बंद कर दे, मदिरालय जाता है तो मंदिर जाना बंद कर दे। कम से कम डायरेक्ट नरक में तो जाएगा, नहीं तो ढक्के मार मार के तुझे लेके जाएंगे धीरे धीरे। इसलिए मेरे भाई बहन, अगर एक रास्ते पर चले जाओगे मंजिल मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। इसलिए मेरे भाई बहन, आप सबसे निवेदन, भक्तों की कथा हमें सिखाती हैं भगवान ने पात्र को देना है। देवताओं पात्र हैं अमृत के, इसलिए उनको अमृत पिलाया, और कुपात्र हैं दैत्य, इसलिए उनको मदिरा पान करा दी। राजा बलि ने इंद्र का सर्वस्व छीन लिया था, तो राजा बलि को छलने के लिए मेरे प्रभु ने वामन स्वरूप धारण किया, उन्हें छलने के लिए पहुंचे। वामन भगवान का दर्शन करें, बैठे रहें, वार्तालाप नहीं करें, और देखें मेरे प्रभु कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तुम्हारे घर के बच्चे इतने सुंदर हो ही नहीं सकते। देखो वामन भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं, मानो राजा बलि को ही नहीं पूरी दुनिया को छलने के लिए निकले हों। मिलेगा सांवरिया, बोल रे, मिलेगा सा
रखिए साहब, रखिए, ऐसे नहीं, ऐसे रखना है, ये उंगली ऊपर वाले ऊपर होनी चाहिए। ग्वालियर चंबल की घाटी के ना जा मेरा ये जल पड़े कथा सुना में ऊपर तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया भजन पूरा।
पूरा ज्यादा ही बन रहो है। सब रखिए आत्मा और जजमान ए सर आप रखिए, आप सबसे अच्छे लग रहे थे मुझे, हाथ रख के यहीं और दूसरा मां और ध्यान रखिए ये जो पोर्शन है ना ये ज्यादा हिलना चाहिए। टेढ़ी टेढ़ी नहीं आयो बताओ, आनंद आयो कि नहीं आयो? चले मूवी थिएटर मूवी देखने पापी कहीं के, कल आना कृष्ण महोत्सव और भी ज्यादा आनंद आएगा। जोर से बोलेंगे एक बार और, जोर से बोलेंगे और जोर से। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार नरेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। सिर पर सोहना मुकुट मेरा जय, तल वे जल्दी माला चरितमानस और श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ प्रसिद्ध कथावाचक और विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष परम श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की अमृतवाणी से
मन के विकार दूर होते हैं, चित्त शांत होता है और जीवन को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे महामनीषी द्वारा अपने क्षेत्र में भी विश्व शांति के लिए महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा का आयोजन करा जन कल्याण और विश्व शांति हेतु लिए गए महाराष्ट्र के संकल्प को आगे बढ़ाएं और पुण्य के भागी बने। विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर, समिति मेंबर, कार्यकारिणी मेंबर बनने व प्रियाकांत जी मंदिर में सहयोग करने हेतु संपर्क करें। शांति सेवा धाम, छठी करा, वृंदावन रोड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 07351112221, 07351112331, 07351114441। वेबसाइट www.shantisevadham.com एवं www.vsscity.com। ईमेल info@shantisevadham.com info@vsscity.com। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बनने, मासिक पत्रिका प्राप्त करने तथा महाराष्ट्र के कथा एवं भजनों की ऑडियो और वीडियो सीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें।